देखिए, हो ये रहा था कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमें एक कार्बन जिस पर टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और टेट्राहेड्रल शेप है, उसको हमें देखना है। तो हमें किस तरह से दिखाई देगा? 3D में होता है, टेट्राहेड्रल हमेशा 3D में होता है, ये बात तो हम जानते हैं, सही है। तो जब टेट्राहेड्रल हमारे पास 3D में होता है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए ये कार्बन है, ब्लैक कलर का कार्बन है सेंटर में, इस पे अलग अलग चार एटम जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है? तो इस कार्बन के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? पहली बात, ये एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे वो आपको याद होना चाहिए कि इनके बीच में कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। कितने एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट के? अप्रॉक्सीमेट 109 डिग्री 28 मिनट, या 100 कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 1, ये 6, समझ रहे हैं? तो 6 इस तरह से 6 एटम हो जाएंगे। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और ये फ्लोरीन, कुछ चार एटम जुड़े हुए हैं, या चारों ही हाइड्रोजन मान लो एक सेकंड के लिए कि चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो एक प्लेन में कितने हाइड्रोजन मैक्सिमम ला सकते हो आप? एक प्लेन में 2। आप ये देख लो, ये और ये एक प्लेन में ला सकते हो। अगर इन दोनों को ला सकते हो, कार्बन के अलावा कितने हाइड्रोजन को ला सकते हो? 2। इन दोनों को लाते हो तो ये अलग और ये अलग हो जाएगा, यस और नो? दिख रहा है आपको, 1 और 2 प्लेन में आ गए, ये और ये अलग हो जाएगा। मैक्सिमम कितने एटम ला सकते हो कार्बन के अलावा? 2, इंक्लूडिंग कार्बन 3, समझ में आ रहा है? तो आपने सोच लिया, नहीं हम ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं, कर सकते हैं, कोशिश ही करोगे आएंगे नहीं इस जगह, तो समझ में आ रहा है? जैसे आपने कह दिया सर हम पिंक और व्हाइट को लाने की कोशिश करते हैं, तो ग्रीन और ब्लू आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। व्हाइट और पिंक लाने की कोशिश करते हैं, व्हाइट और पिंक, ये आ गया व्हाइट और ये पिंक आ गया, तो ये ब्लू और ग्रीन आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे। तो क्या समझ में आ रहा है? आप मैक्सिमम कार्बन के अलावा सिर्फ 2 ही एटम ला सकते हो प्लेन में, और हमें एक प्लेन में ही सारे एटम रिप्रेजेंट करने हैं। हमारा मेन टास्क यही है कि जो भी रिप्रेजेंट करना है वो प्लेन में, क्योंकि हमारी कॉपी जो हो रही है वो 2D है, और हमें 2D में रिप्रेजेंट करते हुए समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आया सॉलिड डैश या वैज डैश रिप्रेजेंटेशन। इसने क्या करा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि जितने एटम प्लेन में आ सकते हैं उन्हें आप ऐसे लिख लीजिए। मान लीजिए ये कार्बन है आपका, ये कार्बन है, मैक्सिमम कितने ला सकते हो? 2। तो जो 2 आप ला सकते हो उसको इस तरह से लिख लीजिए, ये 2 प्लेन में आ गए, और 2 बाहर, एक बाहर की तरफ होगा आउट ऑफ द प्लेन और एक इनसाइड द प्लेन, तो ये आउटसाइड द प्लेन हो गया आपका, इसको आप सॉलिड बना दो, और इनसाइड द प्लेन को आप क्या बना दो? डैश, समझ में आ रहा है? तो यहां आपके पास मैक्सिमम 2 प्लेन में होंगे। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये प्लेन में है, और सी और डी अलग है, तो आप मुझे बताएं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना चाहेंगे आप, इन सेम प्लेन और इसके लिए आप क्या बोलोगे? आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ, आउटसाइड ऑफ प्लेन, और इसके लिए क्या बोलोगे आप? इनसाइड ऑफ प्लेन, सही है? मॉडल को आप किसी भी तरह से पकड़े, मैक्सिमम 2 प्लेन में लाने की कोशिश करनी है आपको। तो क्या हम इसको अलग अलग तरह से भी पकड़ सकते हैं? हाँ, तो ये हमारे लिए जो थिन लाइन है, थिन लाइन हो गई, ये क्या बताएगी? सेम प्लेन को। सॉलिड लाइन क्या बताएगी? आउटसाइड द प्लेन। और डॉटेड या डैश लाइन आपको क्या बताएगी? इनसाइड द प्लेन। तो सॉलिड को वैज बोलेंगे और डैश को डैश ही बोल देते हैं अपन। तो यहां पर यही होगा, थिन लाइन एटम्स आर इन सेम प्लेन, सॉलिड
सॉलिड लाइन आर इन आउटसाइड द प्लेन और डैश लाइन एटम इनसाइड द प्लेन। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आ रही है बात? तो किसी ने इसको किसी भी तरह से पकड़े, आपको यही रहेगा कि मैक्सिमम दो एटम लाएंगे उनको थिन लाइन में आ सकते हैं। तो ये आपके पास एक छोटा सा बेसिक सा डिस्कशन हो गया। क्या आप इसके अलावा भी इसके अंदर और तरह के मॉडल बन सकते हैं? हाँ, देखिए और किस तरह के बनेंगे। इधर देखिए, इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, यानी थिन लाइन इधर पकड़ लिया और डॉट डैश इधर कर दिया और सॉलिड इधर कर दिया। तो ए बी सी और डी, अब इस तरह का देख के बता सकते हैं कि एक ही प्लेन में कौन से एटम है, ए बी, आउटसाइड कौन है सी और इनसाइड कौन है डी। यानी इस प्लेन में जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उस प्लेन में ए बी है कार्बन के अलावा, कार्बन तो है ही सेंटर वाला, और सी इस बोर्ड के बाहर है और डी इस बोर्ड के अंदर है। सबको समझ में आ गया अच्छे से? एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा। किसी ने इसको ऐसे पकड़ लिया और सॉलिड इधर बना दिया और डैश इधर कर दिया, ए बी सी डी। तो बताइए बोर्ड वाले प्लेन में कौन से एटम है, ए बी, सी कहां पर है आउटसाइड द प्लेन और डी कहां पर है इनसाइड द प्लेन। तो देखना आपने अच्छे से सीख लिया। किसी ने कहा मैं ऐसे बनाना चाहता हूं, ए बी ऐसे बना दिया लेकिन गलती से डैश मैंने इधर और सॉलिड इधर बना दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही है? तो ये एक जैसे ही मॉलिक्यूल है, दोनों सेम ही चीज बता रहे हैं, ए बी सेम प्लेन, सी आउटसाइड द प्लेन और डी इनसाइड द प्लेन। समझ में आ रहा है? दोनों सेम है, यानी आप सॉलिड और डैश को कैसे भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पहले डैश आना चाहिए या सॉलिड आना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। यहां पर भी अगर आपको डैश और इधर सॉलिड लिख दिया तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि इसको ये हम इधर से देखने वाले हैं ना, इसलिए इसको हम इस तरफ लिखते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा बना के पीछे की तरफ शो करते हैं, पीछे वाली चीज छोटी दिखाई देती है। तो सही मायने में अगर वास्तव में बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो ये चीज थोड़ी सी बड़ी बना के आगे बनाओ और ये पीछे बना दो, ठीक है? लेकिन क्योंकि हम फिजिक्स या मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो छोटी मोटी गलतियां माफ हो जाती है। आ गई बात समझ में? दोनों बराबर बना दिया, सॉलिड को छोटा बना के डैश को बड़ा बना दिया, तो भी गलती माफ है। हमें सिर्फ बेसिक फंडे गलत नहीं होने चाहिए हमारे कि सेम प्लेन वाला थिन लाइन, सॉलिड वाला आउटसाइड द प्लेन और डैश वाला इनसाइड द प्लेन, बस पकड़ के चल रहे हैं, कैसे भी घुमाते कैसे भी पकड़ लिया हमने, इसको ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया। एक और तरीका हो सकता है, किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया और सॉलिड पहले लिख दिया या डैश पहले लिख दिया, उसे कोई बात, ए बी सी डी। तो बताओ प्लेन में कौन है, ए बी आउटसाइड द प्लेन और इनसाइड द प्लेन डी। बहुत आराम से पकड़ना है, किसी ने ऐसे पकड़ लिया और यहां डी लिख दिया या इस तरह से लिख दिया, तो बताओ प्लेन में कौन है, ए बी आउटसाइड द प्लेन डी इनसाइड द प्लेन। बस कोई दिक्कत नहीं, हम केमिस्ट्री में सारी गलतियां माफ है, बस कंसेप्ट हमारे माफ नहीं होंगे अगर उसमें गलती कर दी तो। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई या सुनो? चलिए अगर आपको समझ में आ गई तो आपके पास जगह है तो आप लिख सकते हैं अपनी तरह से, ए बी सेम प्लेन, सी आउटसाइड द प्लेन, डी इनसाइड द प्लेन, ए बी इन सेम प्लेन, सी आउटसाइड द प्लेन और डी इनसाइड द प्लेन। फिर सेकेंड नंबर पे आता है फिशर। फिशर ने कहा, फिशर ने रिप्रेजेंट ऐसे करा, सही है? फिशर ने रिप्रेजेंट ऐसे करा और ए बी सी और डी, ये इसका ये कहना था। तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं,
समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मॉलिक्यूल है, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल जिसके अंदर ये है, तो ये हमारे लिए ए बी, ए बी हमारे लिए क्या होगा जनरल वे में अगर हम बात करें तो ए बी हमारे लिए क्या होगा सेम प्लेन में। तो मैं लिखता जा रहा हूं, सेम प्लेन वाला हमारे लिए क्या हो गया ए बी, सेम प्लेन, सेम प्लेन, यानी ये सेम प्लेन वाले हो गए, इन सेम प्लेन। और सी हमारे लिए क्या है आउटसाइड ऑफ प्लेन, और डी हमारे लिए क्या है इनसाइड ऑफ प्लेन। तो क्या आपको ये लग रहा है ये और ये सेम है? हाँ, क्योंकि इसमें भी ये ए बी सेम प्लेन में, सी आउटसाइड द प्लेन और डी इनसाइड द प्लेन। बस कोई डाउट? अच्छे समझ में आ रहा है? ए बी सेम प्लेन में, सी आउटसाइड द प्लेन और डी इनसाइड द प्लेन। ए बी सेम प्लेन में, सी आउटसाइड द और डी इनसाइड द प्लेन, यानी ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये उल्टा लिख देता तो फिर ये भी चीज चेंज होती है उसमें, कोई डाउट नहीं है, शॉर्ट लॉक कर दें। तो फिशर बहुत प्यार से बताता है। एक और चीज हमारे पास आ रही है, न्यूमान। न्यूमान और फिशर और सॉलिड में क्या है, ये ऐसे हैं जो एक कार्बन के लिए भी और मल्टीपल कार्बन के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी एक से ज्यादा कार्बन आएंगे तो भी हम लगा पाएंगे आराम से, जबकि फिशर भी एक से ज्यादा कार्बन के लिए लगा सकते हैं। जबकि न्यूमान और सोहर्स ये दोनों एक हैं जो मिनिमम दो कार्बन होने चाहिए तब इनका यूज है, अदरवाइज इनका कोई यूज नहीं है। यानी दो से ज्यादा के लिए तो ये यूजफुल है लेकिन एक के लिए यूजफुल नहीं है, जबकि ये तो सबके लिए यूजफुल है। तो हम सोहर्स को, न्यूमान को देखते हैं पहले। तो न्यूमान किस तरह से हमारे पास बताता है और सोहर्स हमारे पास किस तरह से बताता है? चलो, न्यूमान के लिए पहले एक कार्बन लाया जाए जिसमें कितने हो हमारे पास, दो अटैच कार्बन हो। तो मैंने एक मॉडल तैयार की है, ये देखिए, समझ में आ रहा है? तो अब आप बताइए इस मॉडल के अंदर मैक्सिमम कितने एक प्लेन में ला सकते हो आप कार्बन को एक प्लेन में लाते हुए? न्यूमान के अंदर एक दो तीन चार कार्बन को लाते हुए, समझ में आ रहा है? आप एक काम कर सकते हो, ध्यान से सुनना, कार्बन को एक इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा आपको इसमें कि एक के पीछे एक आ जाए, समझ में आ रहा है? तो आपने क्या करा, फ्रंट वाला कार्बन तो ऐसे लिख दिया, ये क्या है फ्रंट वाला कार्बन, और एक एक क्या है बैक वाला कार्बन, यानी ये कितने कार्बन हो गए, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए बड़ा प्यार से समझा दिया, ये फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन छोटा दिखा रहे हैं बैक कार्बन बड़ा दिखा रहे हैं। तो फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है यहां पर, इस तरह से जुड़ा हुआ है, यस और नो? तो ये क्या हो गया, आपको दिख ही रहा है ग्रीन पिंक व्हाइट, यस और नो? और बैक कार्बन से भी क्या जुड़ा हुआ है, ग्रीन जस्ट पीछे इसके, तो इसको इससे अंदर तक नहीं लेके आएंगे लाइन, सिर्फ ऊपर से स्टार्ट करेंगे ग्रीन, जरूरी नहीं है इसके लेफ्ट राइट कहीं पे भी शो कर दो, बस पीछे की तरफ। ये अगर ये इस तरफ शो कर रहे हैं तो यहां पर भी व्हाइट और यहां पर पिंक, बस सो इजी। तो आपने किस तरह से समझा दिया, पिंक ग्रीन व्हाइट पूरा एज इट इज समझा दिया, आ रही है बात समझ में? बोलो यस और नो? सो हॉर्स इसको, ये भी दो कार्बन के लिए, बस अंतर ये है कि सो हॉर्स में मॉलिक्यूल को ऐसे देखते हैं कार्बन को, ऐसे, यानी ये कार्बन ऊपर चढ़ता हुआ आएगा, अंतर आ रहा है? अंतर क्या आ रहा है कि वहां अपन ऐसे देख रहे थे कि दोनों कार्बन एक तरफ आएंगे, यहां अपन ऐसे देख रहे हैं ये कार्बन ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा है। तो मान लीजिए ये वाइट है, ये वाइट है, जो सेम है, जो सेम प्लेन में आ सकते हैं वो तो अपन ने यहां लिख दिया,
समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद ये छोटी लाइन, ये बड़ी लाइन, ये छोटी लाइन और ये बड़ी लाइन, ये क्या है? आउटसाइड द प्लेन, और ये क्या है? इनसाइड द प्लेन। समझ में आ रहा है? तो ये आपके पास कौन सा हो रहा है? इनसाइड द प्लेन, पिंक प्लिंक ग्रीन ग्रीन, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? तो या तो इसको ऐसे समझ लो, या इसको अगर आप इसमें सॉलिड डैश में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वाइट वाइट बैक वाली है ये, ध्यान रखना पीछे वाली चीज आपको छोटी दिखाई दे रही है यहां पर, तो ये डैश सॉलिड, डैश सॉलिड, तो ये पिंक ग्रीन पिंक ग्रीन। समझाने के लिए इससे बहुत आसानी से पता चल जाता है, थिन लाइन सेम प्लेन में शो करती है, तो इसका मतलब कार्बन के अलावा कौन से दो कलर हैं जो सेम प्लेन में, दो कलर नहीं एक ही है कलर, तो वाइट, वाइट सेम प्लेन में, पिंक इनसाइड द प्लेन है, और वाइट आउटसाइड द, नहीं ग्रीन आउटसाइड द प्लेन है। तो क्या आपको डायरेक्ट ये इसमें समझ में आ रहा है क्या? ये है 100 हर्ट्ज प्रेजेंटेशन, जबकि ये है सॉलिड डैश प्रेजेंटेशन, ये सॉलिड डैश हो गया, सॉलिड डैश दोनों के लिए यूज हो रहा था, आ रही है? तो आपको क्या समझ में आ रहा है डायरेक्ट देख के बता सकते हो इस पॉइंट को देखकर, हाँ या ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? तो ये इसका कहना है बहुत आसानी से, जबकि इसका क्या कहना होता है, इसका ये कहना होता है बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि जो दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो गई वो सेम प्लेन में होगी, और उसके बाद बाकी की दो कलर ये आउटसाइड होंगे और दो इनसाइड होंगे, वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है जो अपन धीरे धीरे आगे समझेंगे इसमें। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? तो इसको घुमा के ऐसे लिख दीजिए, इसी को, इसका ऐसा भी बन सकता है न्यूमान प्रोजेक्शन। कैसे बनेगा? नीचे की तरफ ये फ्रंट कार्बन, वो पीछे वाला बैक कार्बन, तो ये वाइट, ये क्या हो जाएगा? पिंक ग्रीन, वो तो अपने आप ये चीज नीचे घूमेगी तो ये चीज ऊपर जाएगी, ये चीज इस तरफ आएगी, और ये पिंक ग्रीन और ये वाइट। तो आप ये बताइए इसके अंदर अगर आपको लिखना पड़े, इसके अंदर कौन सा न्यूमान के अंदर, तो कौन सा सेम प्लेन में आएगा? सेम प्लेन विद कार्बन, विद सेंटर कार्बन, या कार्बन कार्बन के साथ सेम प्लेन में आएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? और ये आपके लिए क्या होगा, एक तरह से एक लेफ्ट हो गया और एक राइट हो रहा है। समझ में आ रही है? तो जब आपको वाइट इस तरह से मिल रहा है तो अब आपके लिए लेफ्ट और राइट का मतलब कैसे पता चलेगा, इनसाइड द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन। तो जनरली आप देखेंगे तो इसको आप इस तरह से घुमा रहे हैं तो ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है। तो कहना ये मुश्किल होगा इसके अंदर कौन सा इनसाइड द प्लेन है और कौन सा आउटसाइड द प्लेन है। आप अभी बस ये बोल सकते हो कि ये सेम प्लेन में है कार्बन के साथ और ये दोनों प्लेन में नहीं है, और लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो आपको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कि चार साइंटिस्ट एक साथ आए मेरे पास ये विचार लेके कि हम कार्बन को इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। पहला सॉलिड डैश, जिसने बड़े प्यार से सेम प्लेन को समझाया, आउटसाइड द प्लेन इनसाइड द प्लेन। फिर फिशर आया, उसने ऐसे समझाया। फिर न्यूमान आया, उसने कहा कि ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों कार्बन एक के पीछे एक हैं। और ये आया, इसने भी इस तरह से समझाया, बस मॉलिक्यूल को पकड़ने का तरीका अलग रखा, ये कार्बन और ये कार्बन, देखने का तरीका इसकी आंख इस तरफ से रखी है इसने, ध्यान रखना। तो इस तरह से देखा है कि ये कार्बन ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो ये सेम प्लेन में है, ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है, तो ये इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड वैसे दिख रहा है, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। तो आपको रिप्रेजेंटेशन पे समझ में आया नहीं आया चारों का? हमारे पास आने के, मेरे पास आने के पीछे उनका क्या औचित्य था? चारों में लड़ाई हो गई, मेरा बेस्ट मेरा बेस्ट, मैंने कहा आप सब बेस्ट हो मत परेशान हो,
तो उन्होंने कहा फिर हमें एक लड़ाई और है कि हम एक दूसरे में रिप्रेजेंट कन्वर्ट कैसे करें। मैंने कहा वो मैं करवा देता हूँ आपको, यानी मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। आपस में सब एक ही चीज को तो रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप क्यों लड़ाई कर रहे हो फिर? सही है ना, आप लड़ाई क्यों कर रहे हो? आप आराम से रिप्रेजेंट करो, बहुत अच्छा है। तो एक दूसरे में कन्वर्ट करना मैं आपको सिखा दूंगा, तो आप सारे एक ही हो और सब बेस्ट हो। सही है। आईयूपीएससी ने फिशर को थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दिया, समझ में आ रही है? लेकिन हम तो सभी पढ़ेंगे, हम इंडियन है, वी आर इंडियन, सभी चीज को इज्जत देते हैं। सही है। तो फिशर हो, न्यूमान हो, सो हॉर्स हो या सॉलिड एश हो, रिप्रेजेंटेशन करना शुरू करें। तो पहले तो ये सारा उतार लीजिए, फिर मैं आपको इसके बाद जो आर्टिकल लिखाऊंगा उसमें करवाऊंगा आपको हाउ कैन कन्वर्ट ए सॉलिड एश टू फिशर। फिर अगला कराऊंगा हाउ कैन कन्वर्ट न्यूमान टू फिशर एंड फिशर टू न्यूमान। फिर कन्वर्ट कराऊंगा सो हॉर्स टू फिशर और फिशर टू सो हॉर्स। क्यों? क्योंकि किसी भी कन्वर्जन को अगर आपने फिशर में कन्वर्ट करना सीख लिया तो उससे बाकी आप अपने आप ही बना लोगे। तो फिशर आईयूपीएससी रिप्रेजेंटेशन है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जैसे आईयूपीएससी नेमिंग में मैंने आपको डेरिवेटिव नेम्स, कॉमन नेम, ट्रेडिशनल नेम और फिर उसके बाद फाइनली किस में आ गया था? आईयूपीएससी नेम। तो आईयूपीएससी नेम आपका ये रहेगा। तो मेरा मेन टारगेट हमेशा फिशर बनाना होता है। तो चलिए, हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, अब कन्वर्जन, कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन को दूसरे में कैसे करते हैं। तो मैंने सेंट्रलाइज कर दिया फिशर को, हर एक को फिशर में कन्वर्ट करेंगे और फिशर से उसमें करेंगे। तो कन्वर्जन कैसा कर रहे हैं अपन? फर्स्ट कन्वर्जन हेडिंग डलेगी कन्वर्जन ऑफ वन रिप्रेजेंटेशन, वन रिप्रेजेंटेशन टू अदर। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे? जो हमारा पहला दिमाग में आ रहा है वो है सॉलिड डैश को किस में कन्वर्ट करेंगे अपन? सॉलिड डैश को फिशर में, और फिशर को सॉलिड डैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वाइस वर्सा। तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा खास है नहीं। दो तरह का मेथड है, ए ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड, ट्रिकी मेथड की सबसे बड़ी खराबी क्या है? हर जगह नहीं लगता, ठीक है ना? ट्रिक तो ठीक है। तो ट्रिकी मेथड बहुत इजी रहता है। मान लीजिए ये कोई कन्वर्जन है, ये कोई है सॉलिड डैश, समझ में आ रहा है? ए बी सी और डी हमें अच्छे से मालूम है कि हमने इसको फीचर कैसे बनाया था। ए बी और सी आउटसाइड द प्लेन था, उसको कहाँ ले गए हम? यहाँ, और इनसाइड द प्लेन यहाँ होता है, यही हमारा था। तो हमने क्या ट्रिक बना ली कि दो पतली लाइन है उसके बीच में मोटी वाली को घुसा दो, समझ में आ रहा है? तो पतली लाइन के बीच में मोटी वाली को घुसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है कुछ कुछ समझ में आ रहा है बात? तो क्या ट्रिक बनेगी? मोटी को पतली के बीच में डालना है, बीच में डालना है, बस खत्म। ये मोटी को पतली के बीच में डालना है और डैश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, नहीं तो सैंडल ही पड़ेंगे। मतलब समझे आप? ए और बी, इस मोटी को उठा के सी को उधर डाल दिया तो अपने, और सीधा कर दो। तो क्या ये ट्रिक और भी जगह लगती है? इस जगह तो बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिकी मेथड ये, अगर किसी ने इस तरह से बनाया, और ये पी क्यू आर एस ले लिया, हर बार एबीसीडी नहीं लेंगे हम, अलग अलग लेंगे, पी क्यू आर एस, तो आप कैसे बनाएंगे? फास्ट, पी और क्यू तो इस तरह से लिख देंगे, पी क्यू, और ये जो मोटी है इसको पतली के बीच में ले जाएंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? पी नहीं है, आर है, आर को उस तरफ ले जाएंगे, बचा क्या है? एस। तो बहुत आसान है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से। तो
तो ये एग्जाम्पल हमारे पास हो गया फर्स्ट और ये हमारे पास हो गया सेकेंड। तो कुछ प्रैक्टिस आप भी कर लें ट्रिक से। कन्वर्ट सॉलिड डैश टू फिशर, ये एग्जाम्पल फर्स्ट ये ए बी और यहां पर मैंने सी और ये डी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच ओ एच और यहां पर मैंने डाल दिया एच। तीसरा एग्जाम्पल सी डबल ओ एच सी एच ओ सी एच थ्री ओ एच। चौथा एग्जाम्पल सी टू एच फाइव सी एच सी टू एच फोर ओ एच सी एच थ्री एंड फ्लोरीन। तो चार एग्जाम्पल करना आपके लिए मुश्किल से आधा मिनट का भी काम नहीं है। कैसे देखिए ध्यान से, इसका आंसर कैसे होगा? ऊपर क्या लिखा जाएगा बी, नीचे क्या लिखा जाएगा ए, इसको उधर ले जाना है डी और इसको इस तरफ ले जाना है सी। समझ में आ गया बात? इसका आंसर लिखिए सी एच थ्री ऊपर सी एच ओ नीचे एच यहां ओ एच यहां, सही है। इसके साथ क्या आंसर लिखेंगे आप? सी डबल ओ एच ऊपर सी एच ओ नीचे ओ एच इस तरफ आएगा, मोटी को उधर ले जाना है। हमेशा छेड़छाड़ किसके साथ करनी है? मोटी के साथ। तो मोटी को घुमाना है यानी सॉलिड लाइन को ही घुमाना है, ठीक है ना? समझाने के लिए सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव ओ एच, फ्लोरीन को आप कहां ले जाएंगे? यहां, और सी एच सी को यहां लाएंगे। क्या आपने चारों एग्जाम्पल विद इन 30 सेकेंड्स में बना सकते हो? बस लिखने की देरी है। क्या आपको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत आई? चलिए एक और पॉइंट लिखते हैं, उल्टा करते हैं अपन, फिशर को सॉलिड डैश में कन्वर्ट करना। एक एग्जाम्पल उल्टा पहले के, दूसरा एग्जाम्पल कन्वर्ट फिशर टू सॉलिड, सॉलिड को वेज डैश भी बोल सकते हैं, सॉलिड डैश या वेज डैश करें अपन इसको कन्वर्ट। फर्स्ट सी एच ओ सी एच टू ओ एच ओ एच फ्लोरीन, कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया, आप जरूरी नहीं है ये वाला करें या ये वाला करें, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तो बनाना है आपको सॉलिड वेज। उसने बोला तो नहीं है कि सॉलिड जो सॉलिड और वेज है उस तरफ होने चाहिए या इस तरफ होने चाहिए। तो आप हमेशा कोशिश क्या करें आंसर बनाते वक्त, बहुत आसानी तरीका है, इस तरह से बना लें सी एच ओ ऊपर सी एच टू ओ एच, सही है? हमेशा ऐसे ही बनाओ, फिर इजी रहेगा। ओ एच कहाँ रहेगा? इस तरफ आउटसाइड द प्लेन होता है, ओ एच आउटसाइड द प्लेन इनसाइड द प्लेन, सो इजी। समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल करिए, अब आप करिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एक और एग्जांपल करिए सी एच थ्री एच ड्यूटेरियम ट्रिटियम। एक और एग्जांपल करिए सी एच ओ सी डबल ओ एच एन एच टू और ओ एच। तो मैं आपके साथ हूं और आपको भी उसी स्पीड से करना है
जिस स्पीड से मैं कर रहा हूं यही बनाई है, फ्लोरीन ब्रोमीन और ये क्या हो जाएगा क्लोरीन और ये क्या हो जाएगा आयोडीन। ये आउटसाइड द प्लेन होता है, ये क्या होता है इनसाइड द प्लेन। बार बार बोल रहा हूं मैं, ये सेम प्लेन आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड, ओ आई सही है, ओ का मतलब पहले आउटसाइड और फिर इनसाइड। अब हम कैसे करेंगे इसको, सी एच थ्री टिट्रियम, यहां क्या आएगा जल्दी बोलो, ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, और यहां क्या आएगा, टफ लग रहा है क्या, नहीं है, मैं पहले ही बोलता था नहीं है, सी एच ओ एन एच टू ओ एच सी डबल ओ एच। अब किसी ने मेरे से कहा सर हम उस तरफ बनाना चाहते हैं, तो उसने तो ऐसा कहा नहीं, बनाना चाहो आपकी मर्जी, जो आसान है वो बनाओ ना, टफ को क्यों कर रहे हैं। नहीं अगर आपको फिर भी इच्छा हो रही है कि कभी कभी बना लेना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सी एच थ्री मैं इसी का बना रहा हूँ, सी एच थ्री टिट्रियम सही है, सी एच थ्री टिट्रियम। जब अपन इस चीज को पूरा घुमा देते हैं तो जो सॉलिड है वो पीछे की तरफ चला जाता है और डैश आगे की तरफ चल जाता है, तो ये भी आप सोच सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डैश पे ड्यूटेरियम और ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दिया तो ड्यूटेरियम पीछे चला जाएगा और हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, ये हो गया कन्वर्जन। कहां दिक्कत आ रही है, मॉलिक्यूल तो वही है। तो जो और देखा जाए तो मोटी को उधर भेजेंगे तो अपने आप आपको वैसे भी ये दिखाई देगा, यस और नो, यस क्लियर है, बहुत इजी है, अच्छे समझ में आया, चलिए ठीक है। लेकिन आईयूपीएससी थोड़ा कैसे समझाती है उस चीज को देखते हैं, और आईयूपीएससी हमेशा सही आंसर देगी, ट्रिक कभी भी गलत परेशान भी कर सकती है आपको, गलत आंसर दे सकती है, लेकिन आईयूपीएससी हमेशा आपका आंसर सही देगी और टफ से टफ एग्जाम्पल को भी करने में आपकी मदद करेगी। ट्रिक मैंने आईयूपीएससी से बनाई है, बुक ट्रिक कभी नहीं लिखती, ट्रिक मेरी बनाई हुई होती है, इसलिए मैंने उन एग्जाम्पल से बनाई है जो इजी वे में समझ में आ जाए। तो चलिए थोड़ा सा आईयूपीएससी मेथड पे वर्क कर लें, ये लिख लिया था आपने, तो मैं आपके पास वापिस आ जाता हूं, बहुत अच्छा पॉइंट्स। सेकंड मेथड बी, कैसे हम बनाते हैं सॉलिड एश को, आईयूपीएससी कैसे कहती है, ये मान लीजिए आपके पास सी एच ओ सी एच थ्री ओ एच और ये एच है। आईयूपीएससी कहती है कि जब आप मॉलिक्यूल को पकड़ें तो उस तरफ से देखें, बनाते वक्त तो इस तरफ से देखें और फिशर बनाते वक्त इस तरह से, नहीं समझ में आया, आपने ये कौन सा बनाया सॉलिड डैश, सॉलिड डैश बनाते वक्त तो इस तरह से, सेम प्लेन में ये आउटसाइड द प्लेन ये और इनसाइड ये प्लेन, यानी सॉलिड डैश बनाते वक्त तो सामने से देखें वाह, और फिशर बनाते वक्त उसको इस तरह से देखें कि सॉलिड वेज आपके पास हो जाए सामने हो। तो जब आप फिशर बना रहे हो तो ये सॉलिड वेज या सॉरी सॉलिड डैश बना रहे हैं तो आप किस तरह से देखेंगे, फ्रंट लुकिंग फ्रॉम फ्रंट साइड, लुकिंग फ्रॉम फ्रंट साइड, और आपने फ्रंट साइड देखा है और इस तरह से देखा है कि ये प्लेन में है और ये आउटसाइड द प्लेन ये इनसाइड द प्लेन, ऐसे ही देखते हो आप, लेकिन जब फिशर बनाते हो आप, फिशर बनाते वक्त आपको हमेशा किस तरह से देखना पड़ता है, सपोज आप इसका फिशर बना रहे हो सी एच थ्री
CHO, OH और ये H, तो किस तरह से देखोगे? अपनी आंखें चार तरह से देख सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन सही एक ही होगा। सही है, तो आपने अपनी प्यारी सी आंखें इस तरफ से रख दी, थोड़ी सी ये आपकी पोजीशन है, क्या ये सही है? हाँ, ये एकमात्र सही है। यानी आपको उस तरह से देखना है जिस तरह से सॉलिड और वेज आपके सबसे पास में हो। किसी ने ऐसे देखा, आंख इस तरह रख के, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सॉलिड वेज पास में नहीं आ रहे, दूर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा पास में जो है वो है। एक ने ऐसे देखा, ये भी गलत है, और ऊपर से देखा तो भी गलत है। वो भी गलत है, सिर्फ एक ही सही है। सही है, कोई डाउट नहीं है। जब इस तरह से देखोगे आप, तो अगली स्टेप आपकी क्या रहेगी? आपको क्या दिखाई देगा? वो वैसा ही बनाना है। आपको क्या दिखाई देगा? आपको ये दिखाई देगा कि CHO आपको क्या दिखाई देगा? ऊपर, और OH नहीं, CHC कहां दिखाई देगा आपको? नीचे। और OH किस तरफ दिखाई देगा, लेफ्ट या राइट? अगर ऐसा देखेंगे, आउटसाइड द प्लेन है, ये कौन सा हाथ है आपका? लेफ्ट। समझ में आ रहा है? तो जब आप ऐसा देखेंगे तो ये क्या दिखाई देगा आपको? लेफ्ट OH, और ये क्या दिखाई देगा? H, राइट। सो इजी, आप मॉलिक्यूल को उस तरह से देखें कि आपको सॉलिड और वेज पास की तरफ दिखाई दें, सामने की तरफ दिखाई दें, भिड़ते ही दिखाई दें, और ये चीजें अपने आप बाकी आपको समझ में आ जाएगी। तो और आप बिल्कुल बीच में देखें मॉलिक्यूल, आपको ये जो है ना, बिल्कुल बीच में देखेंगे। ये नहीं कि इस कॉर्नर से देख रहे हैं, बिल्कुल बीच में से, और इस तरह से देखेंगे कि जो थिन लाइन है वो आपको क्या दिखाई दे? बिल्कुल कटिंग करते हुए दिखाई दे। तो आपकी देखने की पोजीशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट सॉलिड डैश शुड बी क्लोज टू आईज, शुड बी क्लोज टू आईज। सेकेंड, योर फेस शुड बी सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के सेंटर में होना चाहिए। योर फेस शुड बी सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। थर्ड, तो थर्ड पोजीशन पे तो आप बहुत प्यार से बना सकते हैं, सेंटर से दिखाई देना चाहिए। जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है नीचे दिखाई देगा। आउटसाइड वाला आपको क्या दिखाई देगा? लेफ्ट और राइट, वो आप देख सकते हो। तो फिर उसके बाद जो आपको दिखाई दे, जो दिखाई दे उसे आपको लाइनों में शो करना है। आफ्टर दैट, ये जितना भी कर लिया आपने, गिवन मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट फोर थिन लाइन। अब सभी थिन लाइन में हम शो करेंगे, फोर थिन लाइन, ये सारी थिन लाइन हो गई अब। सही है, और फोर थिन लाइन में ये क्या हो रहा है, ये क्या शो कर रहा है? आप खुद सोचें, अप डाउन, अप डाउन, और ये क्या शो कर रहा है? अप डाउन, और ये आपके जो है राइट लेफ्ट, बस जो आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही आपको सोचना है, और ये हर जगह वैलिड होगा।
इससे टफ से टफ भी हो सकता है, इजी से इजी भी हो सकता है। टाइम कन्वर्जन, टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा, वो तो देखते ही बनाते थे आप, मोटी को बीच में डालो सीधा बन गया। लेकिन इसके लिए पहले आपको फेस को इधर लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। तो टाइम 10 सेकंड की जगह 20 सेकंड या 30 सेकंड लग गए, लेकिन आंसर सही मिलेगा आपको। मैं हमेशा आजकल इसी का यूज कर रहा हूं और इतनी प्रैक्टिस हो गई कि इसको भी मैं 10 सेकंड में कर लेता हूं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आंसर सही चाहता हूं। हटा दूं मैं, कुछ और एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे हम। आपने ये बना लिया, ये सारे पॉइंट्स लिख लिए। चलिए अगला प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारा आंसर और सही हो जाए। एग्जाम्पल क्या है, कन्वर्ट इन फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। ये एग्जाम्पल है फर्स्ट। आप मेरे साथ ही करेंगे आप, और मैंने यहां लिख दिया सी डबल ओ एच सी एच टू ओ एच फ्लोरीन क्लोरीन। बताइए इसका आंसर कैसे होगा। आईयूपीएसी मेथड से करना है हमें, सही है, ट्रिक से नहीं करना, नहीं तो ट्रिक से तो हो गया। किस तरह से देखेंगे अपन, हमारा चेहरा किस तरह रखेंगे, हमारा आंखें इस तरफ सामने की तरफ। हर चीज आपको चेहरे से ही बना के करनी है। यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं आपका नोट्स देखूंगा कि आपने तरीके से नहीं करा, बाय आईयूपीएसी मेथड लिखा हुआ है वहां, ध्यान से सुनना। तो जब आप देखेंगे तो सी डबल ओ एच आपको ऊपर दिखाई देगा, सी एल नीचे दिखाई देगा, सी एच टू ओ एच आपको कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट, पक्का लेफ्ट। तो ये लेफ्ट, ये कहाँ दिखाई देगा, राइट, ये अप और ये डाउन। तो अप डाउन लेफ्ट और राइट, कहीं कोई 1% टेंशन नहीं है आपको। इज दैट क्लियर, अच्छे से। मैं तो पहले ही बोल रहा था बहुत इजीली समझा देता हूं मैं। सेकंड, सी एच टू एन एच टू सी डबल ओ एच सी सी एल थ्री ओ एच। चेहरा किस तरफ से लेके जाएंगे, इस तरह से, ये आपकी आईज, घूरते हुए देख रहे हो आप, इस बार देख लो आपको क्या दिखाई देगा, ये जल्दी से बोले अप या डाउन, अप डाउन। जब आप इधर से देखेंगे तो सी एल थ्री आपको, सी सी एल थ्री कहां दिखाई दे रहा है, राइट या लेफ्ट, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, राइट। और ये कहां दिखाई देगा, लेफ्ट। समझ में आ गई बात। तो इसको आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास सी एच टू एन एच टू सी डबल ओ एच लेफ्ट ओ एच और सी सी एल थ्री। कुछ कुछ समझ में आया साउंड। तो ये आपके पास दो एग्जांपल बहुत प्यारे हो गए। अब एक और एग्जांपल और ले लेते हैं, तीसरा सी एच टू ओ एच सी डबल ओ एच सी एच थ्री और यहां फ्लोरीन लगा दिया। कहां से देखेंगे आप, ऊपर से या नीचे से, ऊपर से,
आप चेहरा इधर रखें या इधर रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप सोचेंगे सर हम आंख इस तरफ रखें, देखना तो ऊपर से ये तो तय है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ आंसर सेम ही आएगा। इसलिए आंख आपने इधर से रखी, अगर इधर रखेंगे तो जो बनेगा वो भी उसका आइडेंटिकली होगा, समझ में आ रहा है? तो मैंने आंख इस तरह से रखी, तो अब बताइए मेरे को ये क्या दिखाई देगा? अप डाउन, अप डाउन। ये सीएससी मेरे को कहां दिखाई देगा, आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब लेफ्ट। क्या बात है, आप तो पैदाइशी इंटेलिजेंट थे या मेरे साथ रह के? लेफ्ट राइट, कितना इजी है। तो बना लो अब फिशर, CH2OH, अप डाउन, अप डाउन। लेफ्ट में कौन आएगा आपके पास? CH3, और ये क्या आ जाएगा? फ्लोरीन। कितना किसी भी तरह का आ जाए अब तो आपको दिक्कत ही नहीं है। फोर्थ मजा आ गया, ये देखिए आप, यहां मैंने ले लिया CH2OH, CHO, OH और क्लोरीन। किस तरफ से देखेंगे, ऊपर से या नीचे से? नीचे से। और किस तरह से देखेंगे, आपको इस तरफ रखें या उस तरफ रखें? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने अपनी आंखें इस तरह रख दी, आंख आपने इस तरह रख दी, तो ये क्या होगा आपका? अप। ये क्या होगा? जब आपने इस तरह से देखी है तो ये जो चीज आ रही है आपके पास, ये क्या होगा? राइट। पक्का इस तरह से देख रहे हो आप, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? राइट। और ये क्या रहेगा आपका? लेफ्ट। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, आपको पहले तो ध्यान रखना है आप ऊपर से नहीं देख रहे हो, आप कहां से देख रहे हो? नीचे से। और नीचे से जैसे ही आप देखोगे, ओएच आपका क्या होगा? आउटसाइड द प्लेन है, नीचे से देखना है, ओएच आपका आउटसाइड द प्लेन है। राइट हैंड पकड़ लो, राइट हैंड यहां होगा, सही है, कोई ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। अगर गलती से ऊपर देख लिया, ये आउटसाइड द प्लेन आपको कहां दिखाई देगा? लेफ्ट। आंसर मिलेगा लेकिन गलत। देखना कहां से था आपको? नीचे से। और आ कहां से रहा था? देख कहां से लिया? ऊपर से। तो अगर आपने गलती कर दी तो दो गलती कर दो, फिर आंसर सही आ जाएगा। समझ में आ गया? दो गलती से आंसर सही आएगा। ऊपर से देख लिया, अप डाउन, ये आपको कहां दिखाई दे रहा है? लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। राइट मार देना, दो गलती से भी आंसर सही आ जाता है। तो मैं कई बार नीचे झुकने में मेरे को दिक्कत आती है, एज फैक्टर है, तो दो गलती कर देता हूं। तो अब इसका फीचर बनाया जाए, बहुत आसान है। अप CH2OH, CHO, OH, लेफ्ट। ये राइट है ना, राइट आपके लिए कौन सा होगा? OH। और ये क्या हो जाएगा? CR। बन गया फीचर, इजी और वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, सही है, कोई ज्यादा टफ लग ही नहीं रहा। थोड़ा सा एग्जाम्पल अच्छा ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फाइव, बस ये बढ़िया है अपने लिए। कहां से देखेंगे अपन? क्या मैंने जो एंगल बनाया है ये बिल्कुल सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि सॉलिड डैश यहीं से दिखाई देगा,
पास, पक्का? तो अब आप मेरे को बताएं कि ये आपको लेफ्ट दिखाई देगा या राइट दिखाई देगा? ऑब्वियसली बाहर है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको मैं लिख दूं लेफ्ट, और ये अंदर की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा? राइट। ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा टॉप, यानी अप, और ये नीचे की तरफ दिखाई देगा डाउन। तो इसका जब मैं फिशर बनाऊंगा तो मैं बड़ा चालाकी कर दूंगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा, इसमें पहला कार्बन ये है, बिठते ही ये वाला फर्स्ट कार्बन, फिर उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद डॉटेड कर दो, जरूरत नहीं है, डॉटेड कर दो, होगा जो भी होगा। इसमें क्या होगा? पहला कार्बन, और मान लीजिए यहां पर ब्रोमीन है, मान लीजिए यहां पर ब्रोमीन है, तो ये पहला कार्बन, उसके बाद ब्रोमीन भी है और डॉटेड भी है, यानी आगे भी चेन जा रही है। कुछ कुछ समझ में आया? यहां डबल बॉन्ड था, यहां पर ब्रोमीन है, कोई दिक्कत? और इस तरफ जो आपका ये कौन सा साइड है? लेफ्ट। कौन आएगा? CHO, और यहां क्या आएगा? OH। तो क्या आपने एक तरह से इस तरह के कंपाउंड को फिशन में कन्वर्ट कर लिया आपने, सॉलिड डैश को? करा या नहीं करा? और इजी लग रहा है या टफ लग रहा है? इजी लग रहा है, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आप और जल्दी कर लें। यहां ट्रिक मत लगाना, यहां ट्रिक मत लगाना इस तरह के कंपाउंड्स में, हमेशा तरीके से ही सोचो, आंसर सही आएगा। वहां हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि ट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, बस वहीं लगेगी जब इस तरह का दो केस लिए थे ना मैंने, उसी में ट्रिक लगाना, बाकी हर जगह IUPAC मेथड से ही करोगे, ये आंसर हमेशा सही देगा। आप कुछ पूछ रहे हो बेटा? डबल बॉन्ड कैसे? देखो ये पहला कार्बन था, मेन कार्बन ये था अपना, उसके बाद पहला कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड आया था, तो पहला कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन थे जो अपन ने लिखे ही नहीं, डॉटेड छोड़ दिए, बस डबल बॉन्ड दिखा दो। दिखेगा नहीं दिखेगा, अपन को बताना है कि हाँ कुछ है, बस अपन को तो ये वाला कार्बन शो करना होता है मेन, कि इसकी चारों वैलेंसी किस तरह से है, एक तरफ CHO है, एक तरफ OH है, एक तरफ ऐसा कार्बन है जिसके बाद डबल बॉन्ड है, और एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ BRB हो, और फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो या कुछ भी हो, डॉटेड में सब आ गए, कुछ भी हो हमें नहीं मालूम। हाँ बिल्कुल नहीं मालूम, यहां फिशर से सॉलिड एश नहीं बता सकते, वो तब बता सकते हैं जो पूरी चीज दी हुई हो, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, पूछेगा भी नहीं फिर ऐसे। तो कन्वर्जन करना सीख लिया या नहीं सीखा आपने? बहुत आसान है, तो हम यही ब्रेक करेंगे, अगली क्लास में हम आगे न्यूमान और सोहोर्स पे भी मेहनत करेंगे। अगला जो हमारा मेन रिप्रेजेंटेशन है वो है सोहर्स एंड न्यूमान, उनको कैसे फिशर्स में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा मेन टास्क है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, याद करिए कि ये हमारे पास सॉलिड है और ये डैश है, आप अपनी आंखें हमेशा उस तरफ रखेंगे जिस तरफ से सॉलिड और डैश आपको दिखाई दे। अगर आपको सॉलिड और डैश सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं तो ये आपकी सही पोजीशन है, और अगर आपसे दूर दिखाई दे रहे हैं, आप इधर से देखेंगे दूर की तरफ होगा, तो ये आपकी गलत होगी, ऊपर से देखेंगे तब भी गलत है, नीचे से देखेंगे तब भी गलत है। और अगर उसके बाद सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो जैसा आपको दिखाई दे वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो आपके लिए क्या कहलाएगा? फिशर प्रोजेक्शन, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो बहुत आसान है, ए नीचे बी आउट, ये जो सॉलिड है ये आउटसाइड ऑफ द प्लेन बताता है, तो यानी सी आपके किस तरफ होगा? आप इधर से देख रहे हो बिल्कुल बीच में, ए ऊपर बी नीचे, और सी बाहर की तरफ और डी अंदर की तरफ। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो ए बी सी डी बताने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, ये हमारे लिए कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन, ये कहलाता है वैज डैश या सॉलिड डैश, ये वैज ये डैश, वैज डैश प्रोजेक्शन को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, अब हमारा मेन टास्क था एक और, कि हम और भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन थे जिसमें हमने पढ़ा था सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं, हम बात करते हैं, और वो है हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन
और वो कन्वर्जन हमारे लिए क्या है, सो हॉर्स टू फिशर एंड न्यूमान टू फिशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हेडिंग के साथ। हेडिंग डाल लीजिएगा सो हॉर्स टू फिशर कन्वर्जन। तो ये कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था सो हॉर्स का यूज मैं तब करता हूं जब एक से ज्यादा आपके ऐसे कार्बन है जिसमें एक से ज्यादा कार्बन के लिए यूज कर रहा हूं। बस अब ये समझ लीजिए 3D में है एक से ज्यादा कार्बन। तो मान लीजिए ये एक कार्बन है, आप हमेशा सो हॉर्स को कैसे देखते हैं, इस तरह से कि सामने की तरफ दिखाई दे, ये इस तरह से आपकी आंख हमेशा इस तरफ से रहेगी। यस और नो, आपकी आंख हमेशा इस तरह से रहेगी। यस, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। तो अब मान लीजिए यहां पर ए बी सी है और यहां एक्स वाई जेड है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सही है, इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले तो इसको आप समझिए कि ये सॉलिड डैश में कैसे दिखाई देगा। यहां ये पीछे की तरफ है, जब आंखें इधर है तो ये पीछे की तरफ होगा, ये फ्रंट की तरफ होगा। तो ये तो हो गया आपके पास इस तरह से और ये हो गया सॉलिड, यानी ए और यहां क्या आएगा बी और यहां क्या आएगा एक्स और ये क्या हो जाएगा वाई। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, डी या डब्ल्यू, डी। तो डैश वैज, डैश वैज, और ये थिन लाइनें दोनों है। अब इनको हमें फिशर में बनाना है। यस और नो, तो फिशर में बनाते वक्त आप कहां से देखेंगे, ऊपर से या नीचे से। ऊपर से, तो ये आपके पास दो पॉइंट आ गए इसको फिशर में कन्वर्ट करने के लिए। एक फर्स्ट आईयूपीएसी मेथड और एक आ गया आपके पास ट्रिकी मेथड। आईयूपीएसी मेथड और ट्रिकी मेथड दोनों में हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। आईयूपीएसी तो हमेशा एक ही चीज कहता है कि सो हॉर्स को जब भी आप देख रहे हैं ऊपर से देखें। कहां से देखें आप, ऊपर से। तो ये आपने ऊपर से देखा, इस तरह से देखा आपने, सही है। आपने जब ऊपर से देखा तो मान लीजिए यहां पर भी कोई तो था सी और ये क्या था जेड, सही है। जब आपने ऊपर से देखा यहां पर तो आपको आप इस तरह से देख रहे हैं, आपको जेड कहां दिखाई दे रहा है, हमेशा जेड, ये जितनी भी थिन लाइन है ये ऊपर जेड और नीचे ये सी लगा दिया आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जेड और सी। अब ये देखिए यहां से आप देख रहे हैं ये जो वाई है ये आपको लेफ्ट में दिखाई देगा राइट में दिखाई देगा, राइट में, सही है ना। तो ये जेड, यहां आपने क्या रखा वाई, यहां आपने क्या रखा एक्स, यहां क्या रखा बी, यहां क्या रखा ए। ये आईयूपीएसी है, जैसा दिखाई दे वैसा ही रखना है आपको। आपने इस तरह से देखा, आंखें रखी, जेड ऊपर दिखाई दिया, सी नीचे दिखाई दिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो जेड सी आपको दिखाई दिया और आपने क्या कर दिया, वाई और एक्स ये आउटसाइड द प्लेन है, बोर्ड के इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा वाई इस तरफ होगा और एक्स इस तरफ होगा, ए बी इस तरफ होगा, ए इस तरफ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो। तो ये फटाफट आपने क्या करा, एक तरह से कौन सा कन्वर्जन है, सो हॉर्स, सो हॉर्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, फिशर में। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक मैंने इसी से बनाई है, ट्रिक इस तरह से कहती है, ट्रिक इस तरह से कहती है कि आप सी जेड एक्स वाई यहां पर है ए और बी, आप इसको डायरेक्टली याद कर लें। कैसे याद कर लें इसको, ये याद कर लें, ये टॉप पे रहेगा, ये बॉटम पे, ये टॉप ये बॉटम, कोई दिक्कत आ रही है आपको। और ये आपके रहेगा हमेशा, जैसे यहां पर आपके आ रहा है वाई, वाई यानी राइट, तो ये आपके राइट में आएगा, तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करना है आपको, यस और नो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो इस तरह से आपने ये याद कर लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये टॉप पे जेड, बॉटम पे, बॉटम पे कौन था कार्बन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जेड वाले के साथ कौन है एक्स वाई, लेफ्ट
राइट लेफ्ट राइट, बोलो यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? लेफ्ट राइट हाँ या ना। तो ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी एक तरह से कन्वर्जन करने में। कौन से कन्वर्जन करने में? इस कन्वर्जन को इसमें ले जाने के लिए। तो लिखिए फास्ट। हाँ बेटा, क्या बेटा? जेड और सी कैसे आए? आप ऊपर से देख रहे हो, तो ये वाली जो लाइन है, थिन जो लाइन है जो एक प्लेन में है, उसको देख रहे हो। तो ये जो जेड होती है, इसको ऊपर इस तरह से खुलता है ये, ठीक है, और सी इस तरह से जाता है आपके पैरों की तरफ, और ये किस तरफ जा रहा है? सिर की तरफ। तो जेड, फिर ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, ये फिर सी, और फिर उसके बाद देखना पड़ता है कि कौन सा सॉलिड है कौन सा डैश है। और ट्रिक में तो आप याद ही रख लो, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, कोई दिक्कत? तो कन्वर्जन करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा मुझे ये, लेकिन ट्रिक की कुछ लिमिटेशन है, जबकि IUPAC मेथड की कोई लिमिटेशन नहीं होती, क्योंकि वो लीगल मेथड होता है, ऐसा मैंने हमेशा कहा है। एक्चुअल मेथड आपको याद रहता है तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। तो पहले ये लिखिए, फिर बेनिफिट बताऊंगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ IUPAC मेथड। तो क्या आपने ये लिख लिया अच्छे से? हटा दिया जाए ये। देखिए IUPAC को हम कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का रहता, ये जो कंपाउंड है सॉलिड डैश, और हमारे पास ऐसे रहता, और इस जगह हम डैश सॉलिड मान लीजिए, ये पी क्यू आर, फिर हमारे पास इस तरह से भी हो सकता था के एल एम, और यहां हमारे पास हो सकता था एक्स एक्स वाई और जेड। तो क्या इसको कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान था? हाँ, क्यों? एक्स को हम ऊपर लिखते, ट्रिक हमारी काम चल रही है यहां, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने यहां पर आर लिखा, यहां हमने क्या लिखा? एक्स, और फिर हमने लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इज दैट क्लियर? तो बहुत आसान है, एक्स ऊपर रख दिया और आर नीचे रख दिया। तो आर के साथ कौन है? पी के, फिर वाई, और इधर से क्यू एल, और हमारे पास क्या हो जाएगा? जेड। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये हमने देखा, और हमने चेक कर लिया कि IUPAC से कि हमारी ट्रिक बिल्कुल सही वैलिड हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है, देखो हम जब ऊपर से देखेंगे, ये हमारी, ये हमने ऊपर से देखा, तो जब हमने ये ऊपर से देखा तो हमारे को बिल्कुल दिखाई दे रहा है एक्स ऊपर है, और ये सब चीजें हमारे को आराम से दिखाई दे रही थी। यस और नो? यहां एम है ही नहीं, सॉरी एम की जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि चार वैलेंसी, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरह से दिखाई देगा कि हाँ ये पतली लाइन है, और ये हमारे को कंटिन्यू थिन लाइन यहां तक दिखाई दे रही है, और ये लेफ्ट हमेशा आउटसाइड द प्लेन दिखेगा, ये इनसाइड द प्लेन रहेगा, आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड, तो बनाना कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रिक हमारी यहां पर भी वैलिड थी। तो चलिए एक और ट्रिक हमारी यहां पर वैलिड हो गई, लेकिन कुछ ऐसा एग्जाम्पल बनाते हैं जहां हमें दिक्कत आए। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको ऐसे देखते हैं, कैसे? इस पॉइंट पे विचार करते हैं कि अगर यहां से हम बात करते हैं तो ये डैश सॉलिड, और यहां पर इस तरह से हम बात कर पा रहे हैं, और ये हमारे लिए डैश और सॉलिड, और ये हमारे पास हो गया पी क्यू
क्यू आर, और ये हमारे पास हो गया के एल, और ये हमारे पास हो गया एक्स वाई, और ये हमारे लिए हो गया जेड। अब बनाइए इसका क्या होगा। तो ट्रिक तभी वैलिड होती है, ध्यान से सुनना, जब कंटिन्यू ये डैश सॉलिड डैश सॉलिड डैश सॉलिड की फॉर्मेट में हो। समझ में आ रही है बात? अदरवाइज ये तो उल्टा हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कैसे? आईयूपीएससी की तरह देखते हैं। आईयूपीएससी से मैंने कैसे समझाया, आईयूपीएससी मेथड, आईयूपीएससी मेथड में उसको बोलता हूँ जो हमेशा वैलिड होता है, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने दिए हैं। समझ में आ रहा है? इफेक्टिव मेथड है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप एक दो तीन कार्बन है जो 3D में हमारे को बताने हैं। सही है? किस तरह से देखेंगे आप? आपने चेहरा रखा इस तरह से, तो आपको ऊपर क्या दिखाई देगा, जेड, और नीचे क्या दिखाई देगा, पी। यहां तक तो दिखाई दे दिया। जब आप इसको देखेंगे तो यहां तक तो सही था, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, वाई, और यहां क्या हो जाएगा, एक्स। दिक्कत क्या है कि इसको आपको इस तरह से देखना है कि सॉलिड और डैश आपके पास में आए, लेकिन ये सॉलिड और डैश आपसे क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो, आ रही है बात समझ में? तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये दूर हो रहे हैं, तो यानी कि आप यहां गलत कर रहे हो। तो जब भी आप गलती करो तो फिर आप एक नहीं दो गलती करो, आपका आंसर सही हो जाएगा, ऐसा मैंने कहा है। ठीक है ना? पक्का? तो गलती क्या कर रहे हो आप, या तो आप ये सोच लो कि दो गलती करनी है मुझे, मतलब ये जो सॉलिड है, सही है, ये मेरे लिए क्या हो रहा है, आउटसाइड द प्लेन, यानी कि बाहर की तरफ है। किस डायरेक्शन में आएगा, राइट। मुझे उसको कहां लिखना है, लेफ्ट में। तो ये के को मैं कहां लिख दूंगा, लेफ्ट। लेफ्ट किस तरफ है मेरे, इस तरफ के, और फिर ये एल, और ये तो आर, तो मेरे लिए बाहर की तरफ ही है आर, और ये क्यू। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो आपको समझ में आ गया, लेफ्ट राइट यहां लग रहा था, यहां नहीं लग रहा था। या आपको ज्यादा दिक्कत आए ना, तो आप मेरी दूसरी वाली अप्रोच अप्लाई कर दो, ट्रिकी मेथड, कि सबको ऊपर लाना है, सबको ऊपर लाना है ना। तो आप क्या करो, ध्यान से सुनना, एक लाइन बना लो पी, और यहां लाइन बना लो जेड, सबको ऊपर लाना है, और डैश सॉलिड की फॉर्मेट में लाना है। हमेशा डैश सॉलिड लिखना है, भले उसने सॉलिड डैश लिखा हो तो आप तो अपने आप से डैश सॉलिड कर देना। समझ में आ रहा है? उसने डैश सॉलिड नहीं लिखा है तो भी आप कर लेंगे आराम से। वो हो सकता है पहले सॉलिड लिख दे फिर डैश लिख दे, लेकिन आप चेंज कर लेना। तो ये आपने डैश और ये सॉलिड, ये डैश ये सॉलिड, ये डैश ये सॉलिड, ये डैश पे क्या है, क्यू आर। इसको जब उल्टा करेंगे तो सॉलिड डैश हो जाएगा और डैश सॉलिड हो जाएगा, यानी ये एल कहाँ आ जाएगा, सॉलिड पे आ जाएगा। सही है? और क्यू कहाँ आ जाएगा, के कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक्स, और ये क्या हो जाएगा, वाई। कुछ समझ में आया? अब आप आराम से लिख सकते हो यहां पर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो जेड ऊपर ही ऊपर आ रहा है, ये वाला ऊपर आएगा, पी नीचे आएगा। अब देखिए लेफ्ट राइट यानी राइट पे कौन होगा, वाई, फिर उसके पास एल, फिर उसके बाद आर, वाई एल आर, और इस तरफ क्या होगा, एक्स, फिर के, फिर क्यू। कुछ समझ में आया? टफ है या इजी है, इजी है या वेरी इजी है, वेरी इजी है। मैं तो पहले से ही कहता हूं पूरी केमिस्ट्री इजी है। सही है? तो आपने एक तरह से कार्बन जो 3D में है, क्यों 3D में है, क्योंकि उस पे टेट्राहेड्रल शेप होती है, उसको 2D में रिप्रेजेंट करना सीख लिया आपने। वाह, मान गए आपको, इंटेलिजेंट हो आप सब। सही है? अच्छे समझ में आया या नहीं आया, तो लिख लें इसको। देखिए रिप्रेजेंटेशंस को हम और अच्छे से देख रहे हैं यहां पर, कि कैसे हमारे लिए आंसर होगा, इन सबको फिशर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन फिशर प्रोजेक्शंस। तो बहुत आसान है, देखिए मैंने आपको ट्रिक से कराया था, मैंने कहा था जो
देखने का तरीका इधर से होगा, ए ऊपर दिखाई देगा और बी नीचे दिखाई देगा, यस और नो? और मैंने कहा था मोटी को पतली के बीच में ले जाओ, यानी उस तरफ ले जाना पड़ेगा, ऐसा मैंने आपको बताया था, मोटी को पतली के बीच में ले जाओ, सी और डी। ये मैंने बहुत फास्ट बोला था, मोटी को सीधा कहाँ ले जाओ, दोनों पतली लाइन के बीच में, डैश वाली को नहीं छेड़ना है, सिर्फ मोटी को छेड़ना है। तो समझ में आ गया? तो या फिर आप आईयूपीएससी से कर सकते हो। आईयूपीएससी से कैसे करोगे? उस तरफ से देखो, सी आपको क्या दिखाई दे रहा है, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन दिख रहा है, यानी कि कौन सा हाथ है, लेफ्ट, और मैंने सी को लेफ्ट में रखा है, और डी अपने आप क्या रहेगा, इनसाइड द प्लेन, राइट। इस तरफ आपके पास, इधर से देखोगे आप, तो जैसे आप इधर से देखोगे, आपको सी कहाँ दिखाई देगा, ऊपर, और डी कहाँ दिखाई देगा, नीचे, और बी कहाँ दिखाई देगा, देखना इधर से, तो राइट साइड में बी, तो राइट साइड में बी और ये ए। या ट्रिक हमारी तैयार है, मोटी को पतली के बीच में ले आओ, सही है? तो ये दोनों ही अप्रोचेस हमारे लिए अच्छी है, मोटी को हम पतली के बीच में लाए, हमारा काम चल गया, सही है? अब इसमें कहाँ से देखना है अपन को, नीचे से, नीचे से देखना है, आईयूपीएससी तो हर जगह लगेगा, हमने इस तरह से देखा कि हमारे नीचे से देख रहे हैं और ए हमारे ऊपर सिर की तरफ है, तो नीचे पैर की तरफ कौन होगा, बी। जब इस तरह से देख रहे हैं तो डी हमारे लिए कौन सा होगा, आउटसाइड द प्लेन, यानी कि कौन सा है, लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ डी, और ये क्या हो जाएगा, सी, यस और नो? पक्का आप इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा ये हमारे पास हो रहा है, तो यहां हम कहां से दिखेंगे, ऊपर, सी और डी, यानी हमारा सिर इस तरह से कि सी हमारे को सिर की तरफ दिखाई दे रहा है, डी हमारे को पैरों की तरफ दिखाई दे रहा है, तो बी हमारे को कहां दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड साइड, आउटसाइड द प्लेन, तो बी और ये क्या हो जाएगा, ए। बोलो यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके लिए तो मेरे को आईयूपीएससी ही चाहिए रहता है आसानी से। इस तरफ साइक्लिक है, बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे। हमने ये वाला एटम ले लिया यहां पर, ये जो कार्बन एटम है, सही है? अब इस तरह से देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है हमें, ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन दिखाई दिया, ऑक्सीजन के बाद क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी कहना, ऑक्सीजन के बाद क्या दिखाई देगा, कार्बन, कार्बन के बाद फिर कार्बन, तो मैंने डॉटेड दिख दिए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हाँ या ना? अब नीचे की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, फिर मेरे को कार्बन और कार्बन, तो ये हमारा मेन एटम है, उसके बाद डॉटेड मैंने कर दिए, यानी पूरी साइकिल नहीं दिखाई दे रही, बस ऑक्सीजन कार्बन या कार्बन कार्बन कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। इस तरफ हम कैसे देखेंगे, जब हम ऊपर से देखेंगे, ऑक्सीजन हमारे को ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, OH हमें कहां दिखाई देगा, जल्दी बोलो, OH बाहर साइड में, आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि मेरे को कौन सा हाथ की तरफ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट, तो लेफ्ट मेरा ये हो गया OH, और CHO अंदर की तरफ, बोर्ड तोड़ते हुए अंदर जाना चाहिए हाथ, बोलो यस, क्लियर है कॉन्सेप्ट, सब समझ में आ गया? तो ये आपको कन्वर्जन बनाने में कोई ज्यादा है नहीं। अच्छा हाँ बोलो बेटा, OH नीचे की तरफ भी वो ऑक्सीजन आप इधर से देखेंगे दिखाई देगा, हाँ बिल्कुल, आप बस पहले ऐसे देख रहे थे, अब ऐसे देखना पड़ेगा, दिखाई देगा, लेकिन जब ये दोनों चीजें चेंज होगी तो ये दोनों चीजें भी आपस में चेंज हो जाएगी, तो आइडेंटिकल बनता है वो, तो वो चीज जो बनेगी वो आइडेंटिकल कहलाएगी। मैंने पहले ही कहा है कि एक ही कंपाउंड के दो तरह के रिप्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं, आप बस अपने रूल्स को फॉलो करो, और जब दो बनेंगे तो वह दोनों आइडेंटिकल ही होंगे, अगर आपने रूल्स फॉलो कर रखे हैं तो, और नहीं करें तो डिफरेंट बन जाएंगे। तो मैं उस आर्टिकल को भी लूंगा इस आर्टिकल के बाद में, यस और नो? तो पहले अगर ये ट्रिक से करोगे तो मैंने बहुत इजीली बताया कि डैश सॉलिड आप कर लो, फिर उसके बाद लेफ्ट राइट आप कर लो, ये टॉप पोजीशन पे, ये बॉटम पोजीशन पे, तो ट्रिक से कितना जल्दी हो गया, आपको देखने की जरूरत नहीं है, फिर तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, CHO ऊपर, इधर भी CHO, लेफ्ट राइट, तो ये वाले के साथ तो OH है लेफ्ट राइट में, CH3 OH CH3, यानी ये जो भी डैश है वो सब एक तरफ आते हैं। इस तरफ पे देखते हैं आंसर कैसे हम सोचेंगे, पहले तो ये दिक्कत आ रही है कि डैश सॉलिड ही नहीं है, ये क्या है, सॉलिड डैश, तो अगर आप इसको डैश सॉलिड में कन्वर्ट करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमने जो ट्रिक बना रखी है वो डैश सॉलिड की है, डैश सॉलिड, तो बताइए डैश पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, और सॉलिड पे कौन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, डैश पे आयोडीन, और सॉलिड पे कौन है, ब्रोमीन,
तो यहां गलती मत करना ट्रिक लगाते वक्त जल्दीबाजी में, ठीक है? या तो आप देख के करो, आईयूपीएससी में कभी गलती होती नहीं है, लेकिन ऐसे कर लिया आपने तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये क्या होगा, टॉप पे, ये बॉटम पे, फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, सो इजी। आ रही है बात समझ में? लेफ्ट राइट करने के बाद आप आराम से लिख सकते हो सी एच ओ ऊपर, बोलो यस और नो। नीचे कौन आएगा, सी डबल ओ एच, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो ब्रोमीन आपके पास कहां पर है, राइट में, और आयोडीन आपके पास कहां है, लेफ्ट में। सी एच ओ से जुड़ा हुआ आयोडीन और ब्रोमीन आपने सी एच ओ से ही जोड़ना है, उल्टा नहीं जोड़ना, कोई डाउट नहीं है। इस तरफ सी डबल ओ एच नीचे है, उसके साथ लेफ्ट राइट, राइट में कौन है, फ्लोरीन, कुछ गड़बड़ी होगी है। आयोडीन सी एच ओ के साथ जुड़ेगा, ब्रोमीन यहां रहेगा। अब यहां पर फ्लोरीन इस तरफ रहेगा, वैसे भी फ्लोरीन और ब्रोमीन सेम डायरेक्शन होंगे, दिख रहा है ना, दोनों सॉलिड है, और क्लोरीन और आयोडीन सेम डायरेक्शन में होंगे, लेफ्ट राइट। तो समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल सही बनाया था आपने। इसको देखिए, इसको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपने कन्वर्ट कर लिया, ज़्यादा अच्छा है, कन्वर्ट कर लो अपनी ट्रिक में। नीचे कौन है, थिन लाइन वाला, सी एच थ्री सी एच थ्री, डैश सॉलिड में, बिल्कुल सही है, ये डैश और ये सॉलिड ओ एच फ्लोरिन, ये ऊपर जाएंगे तो ये सॉलिड तो क्या बन जाएगा, डैश, और डैश क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो ब्रोमीन तो आ जाएगा सॉलिड में और सी एल आ जाएगा आपके डैश में, तो ये बनाना आप तो बच्चों का खेल है। सी एच थ्री नीचे भी यहां पर, अच्छा मुझसे यहां पर क्या गलती हुई है, सी एच ओ आएगा यहां पर, सही है। तो यहां पर ये क्या दिखाई देगा आपको, सी एच ओ, फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो सी एच ओ के साथ कौन होगा राइट में, बी आर, और बी आर के साथ कौन होगा, फ्लोरीन, सी एल के साथ कौन होगा, ओ एच, और सी एच थ्री, कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है। अब हाँ या ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ में आ गया, लिखें आप इसको। जगह देखिए ध्यान से कि हुआ क्या है, अपन ने इस वाले में ए इस तरह से देखा, तो ये डी हमारे लिए क्या है, आउटसाइड द प्लेन है, तो डी राइट में आ जाएगा और सी लेफ्ट में आएगा। ध्यान से देखिए इसको, सही करिए, सही है ना। तो जब आप नीचे से देख रहे इस तरह से, तो आउटसाइड द प्लेन डी आएगा आपका, समझ में आ रहा है, चलिए लिखें इसको। हाँ डियर फ्रेंड्स, वापस स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ न्यूमान टू फिशर्स, तो ये हमारा मेन हेडिंग रहेगा फिर, कन्वर्जन ऑफ न्यूमान टू फिशर, फिशर प्रोजेक्शंस। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, न्यूमान भी उसी के लिए लगेगा जिसमें एक से ज्यादा कार्बन है, सिंगल कार्बन के लिए नहीं लगेगा, यानी एक से ज्यादा कार्बन 3D में हो उसको हमें कन्वर्ट करना है, और इस तरह से देखना होता है कि दोनों कार्बन अब हमारे को एक ही लाइन में दिखाई दें, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, सही है, और इस कार्बन की तीन वैलेंसी है, ये तीन वैलेंसी हो गई, पीछे वाला कार्बन ये, इसकी भी कितनी वैलेंसी है, तीन, तो ये जो पीछे वाला कार्बन है इसकी भी तीन है। मान लीजिए आगे वाले कार्बन की आपके पास पी क्यू आर है, और बैक कार्बन की आपके पास है एक्स, यहां मान लीजिए वाई, और यहां मान लीजिए जेड, सही है, एक्स वाई जेड, बोलो यस और नो। तो आप मुझे बताइए इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, फिशर में। तो फिशर में दो तरह से हो सकता है, एक ट्रिकी मेथड, और मुझे ट्रिक पसंद है। तो ट्रिक क्या कहती है कि ट्रिकी मेथड, ट्रिकी मेथड ये कहता है कि आपको कोई भी न्यूमान दिया जाए, उसे इस तरह से बनाओ कि दोनों आपके पास, दोनों कार्बन पे वाई सीधा बने, समझ में आ रहा है। तो स्टेप फर्स्ट, यहां तो पहले ही सीधा बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप फर्स्ट न्यूमान
न्यूमॉन रिप्रेजेंट इन सच ए वे दैट बोथ द कार्बन getting y, ठीक है ना, getting y, इस तरह का y बन जाए, नहीं है तो y में कन्वर्ट कर लेंगे, वो अपन देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद स्टेप सेकेंड, जब आपके पास y बन चुका है, जैसे यहां तो आपके पास बन ही चुका है p q r, ये x, ये y और यहां z, ये आपके पास दोनों y सीधे बन चुके हैं, गेटिंग y। तब आप क्या करो, इसको लिखो, इस वाले को लिखिए आप टॉप, इसको लिखो आप बॉटम, इसको टॉप पे लिखो, इसको बॉटम पे लिखो, फिर उसके बाद वही लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, समझ में आ गया। हमेशा डैश सॉलिड चलेगा, लेफ्ट राइट चलेगा, इज दैट क्लियर। अब इसको कन्वर्ट करना आपके बाएं हाथ का खेल है, तो समझिए ये आपके पास आ चुका है। तो बताइए z कहां आएगा, ऊपर, और r कहां आएगा, नीचे। z के साथ x और y जोड़ना है, यानी y x, और दूसरा हमारे लिए क्या आ रहा है, p एंड q, बोलो यस और नो। तो आपको समझ में आया या नहीं आया, अच्छे से, बस अच्छे से आना चाहिए। अब ट्रिकी मेथड में आपके पास इस तरह से बन सकता है, तो एक एग्जांपल और किया जाए ट्रिकी मेथड से। मान लीजिए ये कार्बन है और इस तरह से जुड़ा हुआ है के एल एम, ये कौन सा कार्बन है, फ्रंट या बैक, फ्रंट, फ्रंट कार्बन कहलाता है, समझ में आ रही है। कार्बन की कितनी वैलेंसी है, चार, तो पीछे वाला कार्बन कैसा दिखाई देगा, इस तरह से, इसने कैसा वाई बनाया, मैंने उल्टा या सीधा, उल्टा, और अब मैं सीधा बना लेता हूं एक्स वाई जेड। तो आपकी स्टेप फर्स्ट क्या होगी, कन्वर्ट गिवन कंपाउंड इन टू करेक्ट वाई। तो ये जो वाई को कन्वर्ट करेंगे, ये फ्रंट वाला, तो के कहां आ जाएगा, देखो मेरे सामने देखो, के कहां आ जाएगा, नीचे, के नीचे आएगा तो एम वहां जाएगा, और L कहां जाएगा, यहां जाएगा, यस और नो, पक्का ना, सही है, मैं भी यही कह रहा हूं, करेक्ट Y बना दो, और उसके बाद पीछे वाला Y जो X Y Z है वो तो वैसे ही सही है, Y Z और X, वो तो पहले भी सही था, बोलो था या नहीं था, था। तो अब ये कहां जाएगा, आपको अच्छे से मालूम है, ये कहां जाएगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो टॉप वाले के साथ कौन है, राइट में वाई जेड, एक्स ऊपर, वाई जेड लेफ्ट राइट, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में एम, और यहां क्या हो जाएगा, एल, और ये क्या हो जाएगा, के। इजी है या टफ है, इजी है। अब सेकेंड मेथड है जो कि आईयूपीएसी है, तो ये आईयूपीएसी कैसे वर्क कर रहा है, ध्यान से देखिए आईयूपीएसी, फिर एक साथ लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए आईयूपीएसी मेथड है क्या, समझा दूं मैं। आपके पास कोई भी मेथड है, आपने इसको इसमें कन्वर्ट ये दिया था, आपने इसमें कन्वर्ट कर तो लिया, करना तो इसमें भी पड़ेगा, इजी रहेगा। ये आपके पास हो गया दिस, कन्वर्ट करते ही आप इसको देख रहे हैं, समझना।
आप अपना चेहरे को पहले तो ये बनाइए कि ये है क्या था। फ्रंट कार्बन पे क्या है आपके पास? पी क्यू, और नीचे क्या है? आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर दिखाई दे रहा है। और बैक कार्बन पे क्या है? बैक कार्बन पे एक्स वाई, और नीचे क्या है? जेड। एक्स वाई जेड। कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? सब कुछ आ रहा है? अब आ गए। अब इस तरह से देखेंगे कि आपको जेड मतलब सॉलिड और डैश आपको पास दिखाई दे। तो ये सॉलिड डैश, सॉलिड डैश। एक बार और बोल रहा हूँ, सॉलिड डैश, सॉलिड डैश। सही है, पास की तरफ दिखाई दे, यानी ऊपर से देखना पड़ेगा या नीचे से? ऊपर से। और ऊपर से इस तरह से देखना पड़ेगा कि आपको इस तरह से दिखाई दे। ये चीज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ये जेड, ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। वाई एक्स आपको सॉलिड बाहर की तरफ दिखाई देगा, हाथ देखोगे आप ऐसी। और ये क्या दिखाई देगा? आर डैश वाई डैश पी, और ये क्या दिखाई देगा? क्यू। टफ है या इजी है? इजी है। अब इस तरह से देख रहे हैं आंखों को कि जेड आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, आर आपको पैर की तरफ दिखाई दे रहा है, जेड आपको सिर की तरफ दिखाई दे रहा है। जेड से कौन जुड़ा हुआ है? एक्स और वाई। तो एक्स आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, बाकी आप समझ ही गए। अब आपको फिशर बनाना है, तो जेड आर एक्स आपको कहाँ दिखाई देगा? आउटसाइड द प्लेन। एक्स वाई क्यू पी, क्या ये और वो सेम है? हाँ, इसका मतलब हमारी ट्रिक बिल्कुल सही वैलिड करती है। हमें क्या करना था? टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। बस हमने तो दो ही चीजें पकड़ रखी है इन सब में, डैश सॉलिड, लेफ्ट राइट बोलो। पकड़ रखी है या नहीं पकड़ रखी है? सबने पकड़ रखी है, लेफ्ट राइट। और ये वाले जो दूर की है, दूर है उसको ऊपर ले जाओ, ये जो पास है उसको नीचे ले आओ। ये दूर है, दूर को ऊपर ले जाओ और नीचे पास ले आओ। साला कहीं कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, दिमाग लगाते ही तो गलती होती है। ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक, एक और पॉइंट बहुत अच्छा बोल रहा हूं मैं। अभी तक मैंने हर तरह की चीज को फीचर में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट किया या नहीं करा? ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक ही फीचर के और भी तरह के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, लेकिन कौन आइडेंटिकल होगा और कौन डिफरेंट होगा वो हम इस आर्टिकल में समझेंगे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं डिफरेंट 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 रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिशर। समझ में आ रहा है? तो इसको पहले समझिएगा, पॉइंट क्या है हमारे पास? हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वन फिशर टू अदर अदर फिशर, यानी एक ही फिशर को दूसरे फिशर में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, या हम आसानी से बात करें तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रोटेशंस रूल, रोटेशन रूल। ये हमारा मेन आर्टिकल रहेगा आज का। तो सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट जाएगा हमारे पास फर्स्ट, और वो रहेगा हमारे पास इस तरह से, लिखिए फर्स्ट। आसान हिंदी में सुन लीजिए, यदि किसी भी फिशर को 180 डिग्री पे घुमाया जाए तो आपको आइडेंटिकल मिलता है। समझ में आ रही है? और 90 पे घुमाया जाए तो आपको डिफरेंट कंपाउंड मिलता है। तो इस पॉइंट को लिखना है, इफ ए फिशर रोटेट एट 90 डिग्री देन वी गेट 90 एंड 270 डिग्री देन वी गेट डिफरेंट कंपाउंड। एंड इफ रोटेट 180 डिग्री देन वी गेट सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड। और सेम कंपाउंड मिलना है का मतलब है हम उसको बोलते हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको ऐसे समझिए। यहां पर
लिख ली। इसको इस तरह से समझिए कि आपके पास ये कोई कंपाउंड था, आपने यहां लिखा ओ एच सी एच थ्री सी एच ओ सी डबल ओ एच, चार अलग अलग ग्रुप है, समझ में आ रही है बात। अब आप इसका करेक्ट बनाना चाहते हैं या इनकरेक्ट, तो करेक्ट का मतलब आइडेंटिकल अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहां तो हो जाएगा आइडेंटिकल और यहां हो जाएगा डिफरेंट। आइडेंटिकल बनाने के लिए आपको कंपाउंड को कितने डिग्री से घुमाना पड़ेगा, 180, बिल्कुल सही कहा आपने 180। तो आपने जब 180 पे घुमाया तो जो ओ एच पहले ऊपर था वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, और सी एच ओ ऊपर, सी एच थ्री इस तरफ और सी डबल ओ एच जो कि पहले लेफ्ट था वो राइट में आ गया। तो ये कंपाउंड आपके लिए क्या होगा, आइडेंटिकल। आ रही है बात समझ में, आप देख रहे हो 180 पे घुमाते ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये ऊपर, ये लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, इज दैट क्लियर। और अगर आपने 90 डिग्री पे घुमाया, यानी यहां तो आपने किस पे घुमाया था, रोटेट एट 180 डिग्री, और अब आप रोटेट करना चाहते हैं रोटेट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो आपको किस तरह का मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये ओ एच जो है आप क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओ एच आपका कहां मिलेगा, यहां, सी एच सी कहाँ मिलेगा, यहाँ, सी एच ओ यहाँ चला जाएगा और सी डबल ओ एच यहाँ चला जाएगा, ये डिफरेंट कंपाउंड हो गए, समझ में आया। तो रोटेट एट 90 डिग्री और अगर और 270 डिग्री, बात एक ही है क्योंकि क्लॉकवाइज जो 90 होगा वो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 270, इज दैट क्लियर, कोई डाउट। तो इससे हमारे पास फर्स्ट रूल अच्छे से समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, हम इतना जानते हैं फिशर में दो पेयर हैं, कोई भी दो पेयर, इन दो को पेयर, एक पेयर मान लेंगे तो ये कितना होगा, दूसरा पेयर। तो हम इतना मानते हैं कि कोई भी कंपाउंड है भले वो पी क्यू आर एस इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, हैविंग फोर ग्रुप, फोर ग्रुप को हम क्या बोलना चाहते हैं, टू पेयर, हैविंग टू पेयर, सही है, इसको हमने क्या नाम दिया, टू पेयर। इफ वन पेयर, कोई भी वन पेयर आपने पकड़ लिया, चेंज द पोजिशन ऑफ एटम और ग्रुप, वन पेयर पोजिशन चेंज द, चेंज द पोजिशन ऑफ एटम और ग्रुप, एटम और ग्रुप, अगर एटम की पोजिशन आपस में चेंज कर लिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट, देन वी गेट, देन वी गेट डिफरेंट कंपाउंड, हमें डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा, यानी वो चेंजेज हो जाएगा। और इफ टू पेयर, एक साथ ही दोनों चेंज कर दिया, टू पेयर चेंज द पोजिशंस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, देन वी गेट सेम, यानी कि आइडेंटिकल कंपाउंड, आइडेंटिकल कंपाउंड, तो हमें आइडेंटिकल कंपाउंड मिलेगा। इस चीज को और अच्छे से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कंपाउंड था जो मैंने लिखा, ऊपर हमारे लिए क्या था, पी क्यू आर एस, मुझे चाहिए आइडेंटिकल और मुझे चाहिए डिफरेंट। आइडेंटिकल के लिए मुझे कितने पेयर चेंज करने पड़ेंगे, दो, कोई भी दो पकड़ सकता हूं, जरूरी नहीं है
कि ये, तो मैंने ये दो पकड़ लिया आपस में, ये चेंज कर लिया पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी, और ये भी आपस में चेंज कर लिया, एस की जगह आर और आर की जगह क्या लिख दिया मैंने एस, पक्का। या फिर मैंने ये वाले पेयर पकड़ लिए, तो पी की जगह एस और एस पी एस की जगह पी और पी की जगह एस और क्यू की जगह आर और आर की जगह क्यू, तो ये आपको क्या मिलेंगे आइडेंटिकल। लेकिन अगर आपको डिफरेंट चाहिए तो आप सिर्फ ए की पेयर चेंज करो, पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी, बाकी को एक तरफ एज इट इज रख दो, तो आपको क्या मिलेगा डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे। या आपने कोई भी एक पेयर चेंज कर लिया, पी और क्यू को साथ रखा, एस की जगह आर और आर की जगह एस, तो भी आपको डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे। कोई दिक्कत आ रही है समझ में? तो ये इसके क्या है डिफरेंट कंपाउंड है। कोई भी एक पेयर चेंज कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, एस और क्यू, हमने इस पेयर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पेयर तो कोई भी दो एटम का या ग्रुप का हो सकता है, तो पी की जगह क्या लिख दिया आपने आर और आर की जगह क्या लिख दिया पी। फिर आप पेयर इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी और आर को सेम लिख दिया, क्यू और एस वाले को देखा, एस की जगह क्यू और क्यू की जगह एस, ये 1 2 3 4 ये इसके डिफरेंट है, और ये 1 2 और भी बना सकते हो आप, ये इसके लिए क्या हो जाएंगे सेम। तो ये दोनों पेयर भी ले सकते हैं आप, इन दोनों को चेंज कर लिया आपस में तो भी आपको क्या मिलेगा सेम। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो सेम कब मिलते हैं और डिफरेंट कब मिलते हैं, इज दैट क्लियर? लिख लो। ये एक और रोटेशन रूल आपके पास आ रहा है, हटा दूं मैं ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपके पास बन के आ रहा है। रोटेशन रूल में यदि आपने किसी एक को पकड़ लिया और बाकी को तीन को आपस में चेंज कर लिया, किसी भी एंगल पे घुमा लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये आपके पास है सपोज पी क्यू आर एस, किसी भी एक को होल्ड करके बाकी को रोटेट करने पर आपको सेम चीज मिलेगी, यानी आपने इसको पकड़ लिया तो ये आपने इसको पकड़ने का ये साइन हो गया आपका, आपने इसको पकड़ लिया इस तरह से, बाकी को क्या कर दिया घुमा दिया, तो जब आप घुमाएंगे रोटेट करेंगे बाकी को, तो पी तो आपके पास ये होल्ड कर ही रखा है आपने, तो अब आप कितना ही घुमा लो कोई फर्क नहीं है, आपको आइडेंटिकल मिलेगा। तो पी की जगह पी लिख के, लेकिन घुमाओगे क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ इस पे भी कोई फर्क नहीं है। तो आपने घुमा दिया, सपोज क्यू यहां ले गए, आर यहां ले गए, एस यहां ले गए, यानी क्यू फिर यहां आर फिर यहां एस, पूरा घुमा दिया, तो आपको क्या मिलेगा आइडेंटिकल। अगर आपने पी को पकड़ लिया और इसको उल्टा घुमाया, यानी ऐसे भी घुमा सकते थे कि इस तरह से घुमा रहे, तो आर यहां चला जाएगा, क्यू यहां आ जाएगा और एस यहां आ जाएगा, बात एक ही है। तो ये सब आपके पास क्या होंगे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, यानी एक से ज्यादा फिशर भी हो सकते हैं सेम कंपाउंड्स के, तो आपको ये चीज पकड़नी पड़ेगी आइडेंटिकल। समझ में आ रहा है? तो इसको डिक्टेट कैसे करेंगे, थर्ड पॉइंट में, इन द फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शंस, वन ग्रुप होल्ड, यानी आपने पकड़ लिया है बाय हैंड, बाय हैंड यानी हाथों से पकड़ लिया, एंड रोटेट अदर थ्री, अदर थ्री एटम्स और ग्रुप्स इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन वी गेट आइडेंटिकल कंपाउंड, आइडेंटिकल
कंपाउंड, यानी सेम कंपाउंड हमें मिलेगा। हमने किसी भी एक को पकड़ के तीन बाकी के तीन को घुमाया तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिकल। इज दैट क्लियर? एक और रोटेशन है, अभी तक जितने भी रोटेशन रूल मैंने बताए वो सिंगल कार्बन के 3D स्ट्रक्चर को लेके बताया, अब डबल कार्बन के 3D स्ट्रक्चर को लेके मैं बताना चाह रहा हूं। समझ में आ गई बात? इसमें किसी को कोई दिक्कत? कब आइडेंटिकल कब बन रहा है, क्या आइडेंटिकल है क्या डिफरेंट है, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना बिल्कुल, अगर आपने पूरी तरह से दो को होल्ड करके बाकी दो को घुमा दिया तो फिर आपको क्या मिलेगा, एक पेयर ही चेंज हुआ है तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट। डिफरेंट मिलेगा, दो को होल्ड कर दिया आपने, एक को करना था दो को पकड़ लिया आपने और आपस में इन दोनों को घुमा दिया तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट। मैंने आपको पहले ही बताया वन चेंज डिफरेंट है, और एक होल्ड पकड़ के आपने पूरे को घुमा रहे हो तो देखा जाए तो दो चेंजेज होते हैं और वो पहले वाले रूल से भी आपका आंसर आइडेंटिकल आएगा। यस ऑर नो? इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास एक आज का बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। और एक और हम बात कर सकते हैं डबल 3D कार्बन के लिए, तो डबल 3D कार्बन के लिए रूल नंबर 4 लगेगा, उसको समझना पड़ेगा। ये हमारे पास है कंपाउंड, समझ में आ रहा है? और इस जगह हमारे पास सपोज CHO है, COOH है, क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ आयोडीन है। कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको? अब दो एक तरह से कार्बन आ गए 3D वाले, तो हमेशा पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। जब इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे 180 में, तो ये भी 180 में चेंज हो रहा है और ये भी चेंज होगा, यानी कंप्लीट रोटेशंस ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड 180 डिग्री। तो आपको क्या मिलेगा, 180 पे क्या मिलता है, आइडेंटिकल। तो आपको इस जगह कंपाउंड कैसा देखने को मिलेगा, आपको यही कंपाउंड अलग तरीके से दिखेगा। आप कैसा दिखाई देगा, COOH ऊपर दिखाई देगा, पूरा घुमा दिया आपने, और CHO नीचे दिखाई देगा, आयोडीन इस तरफ दिखाई देगा, फ्लोरीन इस तरफ, ब्रोमीन इस तरफ, क्लोरीन इस तरफ, यानी ये पेयर आपस में चेंज होगा, ये आपस में चेंज होगा, ये इस तरह से चेंज होगा, तो आपको आइडेंटिकल मिलेगा। और एक और बात, ये आइडेंटिकल मिलेगा और रोटेट हो गया, यानी कि रोटेट एट 180 डिग्री और आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिकल। तो इसको कैसे डिक्टेट करेंगे, इफ अबाउ कंपाउंड कंप्लीट रोटेट एट 180 डिग्री देन वी गेट आइडेंटिकल कंपाउंड। तो हमें आइडेंटिकल ही मिल रहा है, हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। कुछ कुछ समझ में आया? अच्छा, एक और हम बात करते हैं, ये हमारे पास फिफ्थ वाला पॉइंट आ गया। हमने वही लिखा CHO COOH क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एक पेयर को पकड़ के बाकी के तीन पेयर को रोटेट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिकल। समझ में आया? तो आइडेंटिकल मिलेगा तो कैसे सोचेंगे, हमने किसी भी एक पेयर को पकड़ लिया, तो अगर हम पेयर को पकड़ते हैं तो इस पूरे पेयर को पकड़ना पड़ेगा। इस पे कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4, इस पे कितने, 1 2 3 और एक ये 4। तो अगर आपको ये पूरा पकड़ने को मिले तो आप पूरा पकड़िएगा हाथ से, ये नहीं आधा अधूरा, ये पूरा ग्रुप पकड़ना है, ठीक है? तो ये वही रूल है जो वहां लग रहा था, और अब आपने इसको पूरे को पकड़ लिया हाथ से, ये उंगलियां भी मैंने बना दी, बनानी जरूरी है नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है? ये आपने पूरा पकड़ लिया, अब ये जब नीचे पकड़ लिया है तो आपको आयोडीन फ्लोरीन COOH पकड़ में आ गया। अब आपने सिर्फ ऊपर वाले को क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। आपने इसको पूरा घुमा दिया तो BR ऊपर चला जाएगा,
Cl की जगह क्या आ जाएगा? CHO, और Br की जगह यहां क्या आ जाएगा? Cl। पूरा घूम गया। ये काम नीचे भी हो सकता था, ऊपर ही नहीं। तो ये क्या आइडेंटिकल होगा इसका? हाँ, तो ये आइडेंटिकल है आपके लिए। रोटेट द कंप थ्री ग्रुप्स बाय होल्डिंग वन, वी गेट आइडेंटिकल। इस पॉइंट को वापस लिख सकते हैं, ये वही है जो हमने पहले यूज किया है थर्ड पोजीशन पे। पॉइंट क्या है? रोटेट थ्री एटम्स ऑब्लिक ग्रुप बाय होल्डिंग वन ग्रुप। ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है। समझ में आ रहा है? तो इसका एक और आइडेंटिकल हम बना सकते थे। फॉर एग्जाम्पल CHO, Cl, Br, आयोडीन, फ्लोरीन, COOH। कैसे बनाएंगे इसका एक और? इस पहले मैंने इसको होल्ड किया था। जनरली मैं या तो नीचे वाले को, तीनों को पकड़ लेता हूं एक साथ, या ऊपर वाले को। तो इस बार मैंने ऊपर वाले को पकड़ लिया, ये होल्ड कर दिया मैंने नीचे से ऐसे। तो क्या बनेगा आपके पास इस जगह? Br, CHO, Cl, और इन तीनों को चेंज कर दिया आपस में। तो ये COOH ऊपर ले गया मैं, आयोडीन इस तरफ ले गया और फ्लोरीन इस तरफ से ले गया। तो ये जो बनेगा वो क्या होगा? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल अगर मैंने तीनों को नहीं घुमाया, सिर्फ दो को घुमाया आपस में, तो क्या बन जाएगा? डिफरेंट। इसका मतलब तो मैंने दो को होल्ड कर रखा है और सिर्फ इन दोनों को घुमा रहा हूं आपस में, चेंज कर रहा हूं, तो फिर आपको डिफरेंट। आपको कितने को होल्ड करने का मौका मिलेगा? सिर्फ चार में से एक को। दो को पकड़ते ही डिफरेंट, और तीन को पकड़ लिया तो फिर आप घुमा ही नहीं सकते बचे हुए एक को। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? तो आपने रोटेशन रूल आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। किसके अंदर? फिशर में। सॉलिड एच में भी पढ़ लें। चलो देखते हैं। तो हेडिंग क्या डालेगा? रोटेशन रूल इन सॉलिड डैश या फिर वेज डैश। लिख लीजिए हेडिंग। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा? रोटेशन रूल फॉर वेज डैश, या आप सॉलिड डैश बोल सकते हो। सही है। तो चलिए कैसे हम इनके रूल चेंज करते हैं। पहला, ये हमारे पास ए और बी है। सही है। क्या है हमारे पास? ए एंड बी, और ऑब्वियसली ये हमारे पास कोई सॉलिड हो रहा है सी, और ये क्या हो रहा है? डी। सही है। तो आप जब भी इसको रोटेट करोगे फिशर में, नहीं कर रहा मैं, मुझे कन्वर्ट होना करना है, मुझे तो रोटेट करना है। तो पहला रूल तो ये कहता है कि अगर आप इस तरह से देख रहे हो ए बी, आपने चेंज कर दिया, इसको पकड़ के इस तरफ लिया है, तो ये भी चेंज होगा आपस में। यानी क्या हो जाएगा? जो सॉलिड था वो डैश हो जाएगा, और जो डैश था वो क्या हो जाएगा? सॉलिड। यानी डी यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा। कभी भी इस तरह का रोटेशंस आप चेंज कर रहे हो, इसको पकड़ के इधर ला रहे हो, इसको पकड़ के उधर ले जा रहे हो, तो ये सॉलिड तो डैश हो जाएगा और डैश सॉलिड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? बोलो यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और इसमें क्या करना पड़ेगा? सॉलिड डैश को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, आगे को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, तो सॉलिड डैश में और डैश सॉलिड में हो जाएगा। तो लिख लीजिए क्या बोलना पड़ेगा। फ्रंट वेज डैश को
पीछे ले जा रहे हैं, आप हिंदी में ही लिख लो, पीछे ले जा रहे हैं। तो वैज वाला, वैज कन्वर्ट इन डैश एंड डैश कन्वर्ट इन वैज। इन वैज सॉलिड कन्वर्ट इन डैश, डैश कन्वर्ट इन सॉलिड, इज दैट क्लियर? तो ये रोटेशन रूल आपके पास फर्स्ट आ गया। सेकंड, ये चीज इस तरह से भी लगेगी। मान लीजिए यहां सी एच ओ है, यहां सी डबल ओ एच है, ये सॉलिड है और ये डैश है, यहां ओ एच है, यहां फ्लोरीन है। आपने इसको उल्टा कर दिया, सी एच ओ को इधर लेकर आए और सी डबल ओ एच उधर ले गए। तो अब क्या कर रहे हो आप? ये ऊपर ले गए तो ये तो क्या हो जाएगा आपके पास ओ एच, और ये क्या हो जाएगा एफ डैश सॉलिड, और सॉलिड डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, चलो बढ़िया है। या सुनो, अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, लिखो इसको। देखिए इसी में हम एक और रोटेशन देख रहे हैं, हमने ये रोटेशन तो देख ही लिया। समझना अच्छे से, क्लियर है ये कंसेप्ट कि सॉलिड को डैश में। एक और पॉइंट हमारे लिए आ रहा है थर्ड, ये हमारा लास्ट पॉइंट था कि इसको उधर ले जाएंगे तो इन दोनों को उल्टा करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक और पॉइंट है, मान लीजिए ये हमारे पास सॉलिड है और ये डैश है। सही है, यहां ऑक्सीजन है, यहां सी एच ओ है, यहां ओ एच है। सही है, और मैं इसको रोटेट करके अलग फॉर्मेट में लाना चाहता हूं। कैसे? इस ऑक्सीजन को यहां लाना चाहता हूं मैं, यानी पूरे मॉलिक्यूल को 180 पे घुमा रहा हूं मैं, तभी आएगा। तो जब मैं पूरे मॉलिक्यूल को 180 में घुमाऊंगा तो ये डैश किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। और सॉलिड किस में डैश हो जाएगा? दिस। तो सॉलिड पे पहले सी एच ओ था, अब क्या होगा? ओ एच। और अब डैश पे कौन आ जाएगा? सी एच ओ, तब जाके ये आइडेंटिकल होंगे, नहीं तो ये क्या बन जाएंगे? डिफरेंट। यानी अगर आपने सिर्फ एक को चेंज किया तो गलत है। तो क्या इसका आइडेंटिकल बना सकते हो? 180 डिग्री रोटेशंस, क्या इसका आइडेंटिकल बना सकते हो आप? ओ एच और सी एच ओ आराम से बना सकते हो। अब पूरे एग्जाम्पल को कहां ले जाओ? 180 डिग्री पे आइडेंटिकल बन जाएगा। ये आप ले गए इस तरफ, और जो पहले सॉलिड पे हुआ था करता था वो डैश पे, और जो डैश पे होता था वो सॉलिड पे। तो ये आइडेंटिकल है, इज दैट क्लियर? ये एक दूसरे के क्या है? आइडेंटिकल। कंप्लीट रोटेट करना है आपको, आधा रोटेट करोगे तो डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे आपको, इज दैट क्लियर? तो आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है सॉलिड डैश और सॉलिड डैश। मान लीजिए यहां सीएल है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और मैं इसको कंप्लीट रोटेट करना चाहता हूं 180 पे, तो मुझे आइडेंटिकल मिलेगा ऐसा मैंने बोला है। तो 180 डिग्री रोटेशंस कैसा होगा? ये जो सॉलिड है ये क्या हो जाएगा? ये तो उसी जगह रहेगा ऊपर वाइज, लेकिन ये सॉलिड का डैश और डैश का सॉलिड। तो सॉलिड पे अब कौन आएगा? पहले क्लोरीन था, अब फ्लोरीन आ जाएगा, और डैश पे कौन चला जाएगा? क्लोरीन।
सही है, और ये पूरा हो जाएगा तो ये इस कार्बन पे जाएगा नीचे वाले पे, नीचे वाले पे, और आपको क्या मिलेगा वही चीज। मान लीजिए ये सॉलिड है और ये डैश है, तो सॉलिड पे कौन मिलेगा आयोडीन, और डैश पे कौन मिलेगा आपको ब्रोमीन। बिल्कुल सही बोला, तो आइडेंटिकल है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो डिफरेंट कंपाउंड की लाइंस ही लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे लिख दिया, यानी आपने क्या करा, ऊपर वाला पार्ट तो एज इट इज रख दिया और नीचे वाला पार्ट अपोजिट कर दिया, डैश पे ब्रोमीन और ये क्या लिख दिया आपने आयोडीन, तो डिफरेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि आपने कंप्लीट 180 डिग्री रोटेशन नहीं किया है, ऊपर वाला तो आपने एज इट इज रख दिया तो ये डिफरेंट है, और ऊपर वाला कर दिया नीचे वाला नहीं करा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन एज इट इज रख दिया और आयोडीन ये कर दिया, और ब्रोमीन आयोडीन और बाकी आपने क्लोरीन और ये फ्लोरीन, तो भी आपको डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा क्योंकि ये आपने एज इट इज लिया है। ब्रोमीन को आपको डैश में लाना था और आयोडीन को आपको सॉलिड में लाना था। क्या आपको समझ में आ गया? आप चाहो तो इसको फिशर से भी कन्वर्ट करके देख सकते हो कि आपने सही किया है नहीं किया है। ठीक है, मैं चेक कर चुका हूँ, ये बिल्कुल सही अप्रोच है। ठीक है, ओके। एक और आपके पास आ रहा है फाइनली रोटेशन रूल। इस जगह ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास कोई इस तरह का कंपाउंड है डैश सॉलिड डैश डैश सॉलिड और डैश और ये सॉलिड, ठीक है, और डैश सॉलिड, मान लीजिए यहां सी एच ओ है, यहां सी डबल ओ एच है, यहां फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और ये हाइड्रोजन है, और ये सी एच थ्री है, यहां सी एच टू ओ एच है, यहां सी टू एच फाइव है, इतने सारे ग्रुप एक साथ अटैच कर दिए मैंने, और रोटेट करना है। सही है, और आपने रोटेट करना है तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक काम करो, सी एच ओ और सी टू एच फाइव को एज इट इज लिख दो, क्योंकि सी डबल ओ एच को एज इट इज लिख दो, सी डबल ओ एच और सी एच ओ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। आ गया समझ में? तो जैसे ही आप करोगे, और हमेशा आदत ऐसी करो, डैश सॉलिड कितनी बार आएगा, डैश सॉलिड फिर डैश सॉलिड, तीन बार हमारे पास डैश सॉलिड डैश सॉलिड डैश सॉलिड। क्या इसको आप चेंज कर रहे हो, हाँ या ना? नहीं कर रहे हो क्या? नहीं ना। सी एच ओ नीचे है तो डैश पे कौन आएगा, क्लोरीन, और सॉलिड पे क्या आएगा, फ्लोरीन। बस आपने लिखने का चेंज करा है, रोटेट नहीं किया है आपने, तो क्या ये सही है? बिल्कुल आइडेंटिकल बनाना चाह रहे हो आप। फिर क्या इसको चेंज किया है आपने, हाँ, इसको ऊपर ले गए तो जो डैश ब्रोमीन था वो ब्रोमीन कहाँ चला जाएगा, सॉलिड पे, और आयोडीन कहाँ आ जाएगा, डैश पे। इज दैट क्लियर? इस तरफ थर्ड नंबर पे एक हो गया, दो हो गया, तीन चार थे, तो इसका मतलब सी डबल ओ एच और ऊपर लेना पड़ेगा हमें, और एक और डैश और सॉलिड। अब बताइए ये ऊपर ही रहेगा एच, और ये क्या रहेगा, सी एच थ्री, इसके साथ कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि आपने रोटेट ही नहीं किया, तो जो डैश पे है वो डैश और जो सॉलिड है वो सॉलिड। क्या इसको चेंज किया है, हाँ, ऊपर भेजा है, तो डैश पे कौन आ जाएगा, सी टू एच फाइव, और ये कहाँ रह जाएगा, सी एच टू ओ एच। बोलो यस और नो? तो बड़ा प्यारा सा कन्वर्जन हो गया, और फिशर में कन्वर्ट करना तो मैंने आपको बचपन में ही सिखा दिया था, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसको कहाँ देखोगे आप, सी डबल ओ एच को, ऊपर टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर लो, समझ में आ गया? तो सी डबल ओ एच ऊपर टॉप, लेफ्ट पे कौन आएगा, सी टू एच फाइव, और राइट पे कौन आएगा, ओ एच, सी एच टू ओ एच। बस सी एच टू ओ एच के नीचे कौन आएगा, सी एच थ्री, सी एच थ्री के नीचे कौन आएगा, बी आर, जितने भी राइट हैं वो सब एक साथ लिख लो, फ्लोरीन और सी एच ओ सबसे इस तरफ, सी टू एच फाइव के नीचे कौन आएगा लेफ्ट में, एच, एच के नीचे आयोडीन, आयोडीन के नीचे
क्लोरीन, आपने फिशर भी बना दिया, सही है। क्या इसका एक और फिशर बना सकते हैं? हाँ, पूरे कंपाउंड को, एक दो तीन चार, अगर आप 180 में घुमाओगे पूरे कंपाउंड को तो कैसे घूमेगा? सी एच ओ ऊपर जाएगा, सी डबल ओ एच नीचे आ जाएगा, तो सी एच ओ के साथ हर चीज चेंज होगी। सी एच ओ ऊपर गया, सी एच ओ के साथ कौन अटैच होगा? सी एल, तो सी एल अब आपका यहां से सीधा वहां चला जाएगा और फ्लोरीन यहां आ जाएगा, फ्लोरीन यहाँ आएगा, तो सी एल के बाद कौन आएगा? आयोडीन, आयोडीन के बाद कौन आएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा? सी टू एच फाइव, फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद सी एच थ्री और फिर सी एच टू ओ एच, सो ईजी। यानी ये सब एक दूसरे के क्या है? आइडेंटिकल है, लिख लो, ऑल वन टू थ्री फोर स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल, लिख लो अपनी तरफ से। तो क्या आपको रोटेशन रूल अच्छे से समझ में आ गया? अच्छे से या बहुत अच्छे से? बहुत अच्छे से, अच्छे से, बहुत अच्छे से, मैं भी बहुत अच्छा हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके पास। एक लास्ट जो मैं यहां बता रहा हूं आपको, तो रोटेशन रूल फॉर सॉलिड डैश ही हमारा चल रहा है, तो सॉलिड डैश में आप ध्यान से देखिएगा, ये एक और पॉइंट है हमारे पास, ये मान लीजिए सी एच ओ, ये मान लीजिए सी डबल ओ एच, ये मान लीजिए ओ एच और ये मान लीजिए एच, क्या है ये एच मान लीजिए, ठीक है। और यहां पर भी ये चीज रखेगी, अगर एक को होल्ड करके बाकी के तीन को घुमा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किसको होल्ड किया? मैंने इसको होल्ड कर दिया, तो सी एच ओ बस एक को होल्ड कर दिया, तो क्लॉकवाइज घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपने इसको घुमाया तो ओ एच ऊपर चला गया, ओ एच ऊपर चला गया तो एच कहाँ आएगा? इस तरफ, और सी डबल ओ एच कहाँ आ जाएगा? यहां। उल्टा भी घुमा दो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक को होल्ड करके अगर आप घुमा रहे हो तो कोई फर्क नहीं है। सी एच ओ आपने इस तरह से घुमा दिया उल्टा, यहां सी डबल ओ एच लिया है, यहां एच लिया है और ओ एच यहां ले गए, तो सी डबल ओ एच एच, बिल्कुल सही है। ये सब क्या है आपके लिए? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। और एक और ध्यान रखना, आइडेंटिकल का आइडेंटिकल भी आइडेंटिकल होता है, यानी ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, तो ये भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? आइडेंटिकल। समझ में आ रहा है? जबकि ये अगर डिफरेंट होता और ये डिफरेंट होता तो ये मेरा डिफरेंट है, ये भी मेरा डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो इन चीजों को पकड़ने की कोशिश करो। अभी हमारा और रोटेशन रूल बाकी है जो हम नेक्स्ट करेंगे, और वो किसके लिए? किसके लिए? न्यूमान के लिए। सोर्स के लिए तो कर ही लिया हमने, न्यूमान और एक बार सोर्स को और देख लेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बस हम वापस बात करते हैं। हमने जितना भी पिछली क्लास में पढ़ा है, जैसे हमने न्यूमान फिशर चारों तरह के प्रोजेक्शन पढ़ लिए, सो हॉर्स, न्यूमान, फिशर और वेज डैश, तो आपस में इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं एक बार ब्रीफ डिस्कशंस करते हुए हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता है, आपने जब ये वाली चीज करी थी तो इसको फिशर में कैसे करा था? मान लीजिए ये सी एच ओ है, ये सी एच थ्री है, ये एच है और ये ओ एच है। आपने इसको कैसे करा था कन्वर्ट? आपने क्या किया था? मोटी को पतली के बीच में लाया थे, यही था। या इधर से देखो कि आपको इधर से देखने पे आपको कैसा दिखेगा? आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये सी एच सी ऊपर है, सी एच ओ इधर है, ओ एच इधर है, यानी आउट ऑफ द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, यानी कि आपके कौन सा हाइट में? वहाँ लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में आपने बहुत आसानी से ये ओ एच और ये सी एच थ्री, ये सी एच ओ, ये एच, बोलो यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? दूसरा प्रोजेक्शन था हमारा, सो सॉलिड एच के बाद हमारा ये था, और इस फिशर का नाम था, इस प्रोजेक्शन का नाम था हमारे लिए सो हॉर्स। सो हॉर्स के लिए हमेशा मैंने आपको यही बताया कि इसको इस तरह से ट्रीट करो,
मान लीजिए यहाँ पर सी एच ओ, यहाँ सी एच थ्री, यहाँ ओ एच, यहाँ सी एल, यहाँ बी आर, यहाँ सी डबल ओ एच है, तब हमेशा ये करोगे डैश सॉलिड डैश सॉलिड, यस और नो। और फिर आपको याद है लेफ्ट राइट का केस भी, लेफ्ट अगली पॉइंट था हमारे लिए, ये हमारे लिए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, बोलो यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। तो जब आपने इसको इतनी तेज स्पीड से करा है तो टॉप पे कौन है, सी डबल ओ एच, सी एच ओ, लेफ्ट राइट चालू करो, लेफ्ट राइट यानी सी एल बी आर, ये टॉप पे है, लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट राइट सी एच सी ओ एच, सो इजी यार, मुझे टाइम नहीं चाहिए लगाना है, बट इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि ये हमारे पास कौन सा फिशर है, सॉरी कौन सा प्रोजेक्शन है, तो बताइए ये कौन सा है, सी एच ओ लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ ओ एच, यहाँ सी एच थ्री, ये तो हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास हमने यहाँ ले लिया क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। तो हमें ये देखना है कि अगला पॉइंट जो हमारे को अच्छे से मालूम है कि हम इसको पहले एक बार किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों सीधे वाई में, इजी रहेगा ट्रिक में, तो सीधे वाई में कर देते हैं। तो ये देखिए ये तो ऑलरेडी सीधा है, हाँ या ना, और ये नहीं है तो इसको सीधा कर लो, ये नहीं है तो इसको कहाँ ले जाएंगे, क्लोरीन नीचे आएगा और ब्रोमीन इस तरफ आएगा, 180 पे घूमते हैं हर चीज, और फ्लोरीन वहां जाएगा, बोलो यस और नो, दोनों सीधे वाई हैं, यस क्लियर है। और अब आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं करना, ये लेफ्ट राइट वाला केस यहां पर भी चलेगा, ये टॉप ये बॉटम बिल्कुल वैसे ही, ये टॉप ये बॉटम, लेफ्ट राइट कहीं कोई दिक्कत, पक्का, तो यही है हमारे लिए लेफ्ट राइट। और हम इसको जब बनाएंगे फिशर में तो सी एल सी एस थ्री, इज दैट क्लियर, ये ऊपर गया बी आर एफ ओ एच सी एच ओ, तो ये हमारे लिए फिशर बन सकते हैं। क्या इसके एक से ज्यादा फिशर बन सकते हैं, हाँ, क्योंकि फिशर रोटेशन रूल मैंने बताया है, हर फिशर का एक आइडेंटिकल हो सकता है और एक डिफरेंट भी हो सकता है। तो आइडेंटिकल और डिफरेंट बताते वक्त मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे, मैंने सबसे पहले इसके लिए बताया था कि अगर आप 180 डिग्री पे घुमाते हैं तो सेम रहेगा, और 90 डिग्री पे घुमाते हैं तो डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ है आपके पास, आपने इसको सी एस सी को कितने पे घुमाया, 180 डिग्री, सी एच ओ सी एस सी नीचे आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, ओ एच इधर आ जाएगा, 180 डिग्री, सेम या मतलब आइडेंटिकल या डिफरेंट, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम। और अगर आपने 90 डिग्री पे घुमाया, सी एच ओ इधर चला गया, एच इधर चला गया, सी एस सी इधर आ गया, ओ एच इधर आ गया, बोलो यस और नो, अगर आपने ऐसा करा तो ये हमारे 90 डिग्री का आती क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट, यस क्लियर है। तो हमें आइडेंटिकल और डिफरेंट बताने में कोई ज्यादा टाइम लगा नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो ये हमारे लिए हो गया आइडेंटिकल, एक हमारे लिए हो गया डिफरेंट, पकड़ में आई बात, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। आगे इसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर आप एक को पकड़ के तीनों को घुमाओगे तो आइडेंटिकल, दो को पकड़ के दो को आपस में घुमाओगे डिफरेंट, ये मैंने बोला था, याद करो, मैंने आपको ये भी बोला था इस जगह कि कोई भी दो पेयर आपस में चेंज कर दो आइडेंटिकल, कोई भी दो पेयर, इन दोनों को इन दोनों को, आपका हमेशा क्या होगा आइडेंटिकल। लेकिन अगर आपने केवल एक पेयर चेंज करा, कोई भी एक पेयर, कोई भी एक पेयर, आपका आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंट, क्या ये याद रह जाएंगे आपको, बिल्कुल याद रह जाएंगे। मैंने इसके लिए भी बोला था एक को पकड़ के तीनों को आपस में घुमा दो, टिक आइडेंटिकल, दो को पकड़ लिया, दो कौन से ग्रुप होंगे इसमें, इसमें कोई भी दो ले लिया, ये मान लीजिए एक पूरा ले लिया आपने, ये वाला पूरा, इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया, और इन दोनों को आपस में चेंज कर लिया, कंपाउंड क्या होगा डिफरेंट। लेकिन अगर आपने तीनों को घुमा दिया इस तरह से, क्लोरीन या ब्रोमीन या सी डब्ल्यू एच, आइडेंटिकल, इज दैट क्लियर। तो ये सब चीजें हमारे को बहुत अच्छे से आ गई। और अगर हमें कोई भी चीज को 180 पे घुमा दिया पूरे मॉलिक्यूल को, तो 180 पे घुमाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सी एस सी ऊपर जाएगा, सी एल नीचे आएगा, ये इस तरह से चेंज हो जाते हैं 180 पे, ओ एच यहाँ आएगा, बी आर यहाँ आएगा, सी एच ओ इस तरफ जाएगा ऊपर, और फ्लोरीन यहाँ आएगा। तो कहीं कोई दिक्कत आ रही है, ये पूरा 180 पे घुमा है,
अगर पूरा 180 पे घुमाए तो ये एक दूसरे के क्या है, जल्दी बताओ, आइडेंटिकल। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है इसके अंदर, बहुत इजी वे में हो रहा है क्वेश्चंस आ रही है। आप सोचो कि क्या कहाँ दिक्कत आएगी हमें, कहीं नहीं आनी चाहिए, कैसा भी दे दिया जाए हम फटाफट कर लेंगे। आईयूपीएससी हमेशा ये कहता है कि आप उस ओर से देखेंगे जिस तरफ से आपके सॉलिड और डैश यानी वेज और डैश पास हो, भले वो कुछ भी हो, ये हमेशा सॉलिड वेज है। अब इधर से देखेंगे, इसमें आप इस तरह से देख रहे हैं, ऊपर से देखना पड़ेगा आपको, इसके लिए ऊपर से देखना पड़ेगा, इसके लिए नीचे से, तो ये तो सही आ जाएगा, ये उल्टा आएगा। इसलिए या तो आप ऊपर से देख के वक्त दो गलती कर दो तो आपका आंसर सही आ जाएगा। जो लेफ्ट है उसको राइट बोल देना, राइट है लेफ्ट बोल देना, तो वो भी आपका बहुत सही है तरीका। या आपने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, अब आप इस तरह से देख रहे हैं कि आपके पेट CST की तरफ है, सिर आपका CL की तरफ है, तो आपको ये क्या दिखाई देगा, राइट, ये भी राइट में, ये लेफ्ट में, ये लेफ्ट में, ये आपके पैर की तरफ है ही। तो कोई डर की चीज ही नहीं होनी चाहिए। तो अब ये हमने रिप्रेजेंटेशन जब पढ़ लिया तो हमारा अगला काम क्या होगा, हमारा अगला काम होगा नेमिंग। पहली चीज हमें नेमिंग भी आनी चाहिए। दूसरा, हमारे को ये पता चलना चाहिए इससे कौन सी आइसोमेरेज हो रही है, ये डिफरेंट है तो इसका नाम क्या होगा। तो ये सारी चीजें मैं आज कराने वाला हूं आपको, करा दूं मैं स्टार्ट। एक इंट्रोडक्शन हो गया, तो चलिए बहुत आसान है। पहले तो आप इन सबको उतारना चाहे तो आपकी मर्जी, बाकी ये आपके नोट्स में है ऑलरेडी। इज दैट क्लियर? तो अगला पॉइंट हमारे पास होगा डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ रही है। सबसे पहली डेफिनेशन आएगी कायरल, हेडिंग डाल लीजिए कायरल, कायरल कार्बन। देखिए हेडिंग डलेगी हमारे कायरल कार्बन की, तो लिखें जल्दी से।